चलिए स्टूडेंट, बात हम कर रहे थे एफबीडी की। ठीक है, तो एफबीडी में फ्री बॉडी डायग्राम में हम ये वाला केस देख रहे थे जहाँ पे एक मैन जो है ये एक ब्लॉक को होल्ड करके रखे है। इस ब्लॉक का मास m1 है, इस मैन का मास m2 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब m2 m1 को होल्ड करके रखे है तो m1 और m2 की एफबीडी हमको बनानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे जो ये m1 है इसका इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, कौन से दो फोर्स? एक फोर्स जो मैन इस पे लगाएगा, दूसरा फोर्स इसका खुद का मास। इसके खुद के मास की वजह से, इसके वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा दैट इज m1g वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको जब एफबीडी बनानी है किसी ऑब्जेक्ट की तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले आप अपने सिस्टम को फिक्स करोगे। सबसे पहले आपको सिस्टम फिक्स करना है, वो सिस्टम वो है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्लॉक की एफबीडी बनाते हैं तो ब्लॉक हमारा सिस्टम हो जाएगा, अगर हम मैन की एफबीडी बनाते हैं तो मैन हमारा सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम ब्लॉक और मैन को ही एक सिस्टम मानते हैं, ठीक है, अगर हम ब्लॉक और मैन को मिला के एक सिस्टम मान लें, ठीक है, तो हम इन दोनों के बीच में जितने फोर्स लग रहे हैं उसको नहीं एनालाइज करेंगे। ठीक है, इसको इस तरह से समझो कि भाई एक ब्लॉक ये है इस तरह से और दूसरा ब्लॉक इस तरह से एक ये। ठीक है, अब मैंने कहा कि m1 इसका मास है, m2 इसका मास है। ठीक, मैंने आपसे बोला कि आप m1 की FBD बनाओ, m2 की FBD बनाओ, ठीक है, और m1 और m2 को एक सिस्टम मान के उसकी FBD बनाओ। तो इसका मास कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2। ठीक है, तो सिस्टम डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम वो चीज है जिसको हम एक बार में एनालाइज कर रहे हैं। जब मैंने कहा m1 की FBD बनाओ तो m1 हमारा सिस्टम हो गया, इस पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं हम वो सारे दिखाएंगे। ठीक, जब हम m2 की बात कर रहे हैं, m2 की FBD बनाने को बोल रहे हैं तो m2 हमारा सिस्टम हो गया, इसमें जितने फोर्स लग रहे होंगे वो हम दिखाएंगे। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं m1 और m2 एक साथ एक सिस्टम लेने की तो इसका मतलब m1 प्लस m2 में जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे हम दिखाएंगे। ठीक, लेकिन जो m1 m2 पे फोर्स लगा रहा है और जो m2 m1 पे फोर्स लगा रहा है अब वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो अब इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे। ठीक है, और हम जब सिस्टम पे जो बाहर से फोर्स लगते हैं हम सिर्फ उन्हीं की बात करते हैं। ठीक है, जो सिस्टम में बाहर से फोर्स लगेंगे सिर्फ और सिर्फ हम उन फोर्सेस को यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, जो सिस्टम में अंदर से फोर्स लग रहे हैं उनकी बात यहाँ नहीं करी जाएगी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एक कार है, ठीक है, और एक मैन इस कार को यहाँ पुश कर रहा है, ठीक है, और एक मैन इस कार को बाहर से पुश कर रहा है। ठीक, और यहाँ पे मान लेते हैं ये कार में टायर वगैरह लगे हैं। ठीक, तो अब अगर इस कार की एफबीडी हम बनाएंगे तो इस कार पे लगने वाले इंटरनल फोर्सेस की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? इसका भी एक रीजन है जो आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, अभी इस तरह समझो कि जो इंटरनल फोर्स ये मैन यहाँ पे कार पे लगाएगा तो ये आपको लग तो रहा है कि ये कार पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये मैन एक दूसरा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा इस कार पे बैकवर्ड। ठीक है, अगर इस मैन ने अंदर कार में फोर्स F अप्लाई किया है, ठीक है, तो इस मैन ने कार की सरफेस पे, कार की नीचे वाली सरफेस पे, अगर ये मैन कार की वॉल पे F फोर्स अप्लाई कर रहा है तो कार की सरफेस पे, ये कार की फ्लोर पे ये मैन F का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर देगा। एक्चुअली में क्या हमें दिख रहा है कि ये मैन कार की वॉल पे फोर्स F अप्लाई कर रहा है, लेकिन ये जो फोर्स F अप्लाई कर रहा है मैन, ठीक है, इस फोर्स को अप्लाई करने के लिए इसको फ्लोर पे एफ का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ा, फ्रिक्शन फोर्स, और इतना ही फोर्स इस कार की फ्लोर ने इस मैन पे एफ का आगे की तरफ लगाया और इतना ही फोर्स इस मैन ने वॉल पे लगा दिया। ठीक, तो एक तरह से यहां पे देखोगे ये जो इंटरनल फोर्सेज एक्चुअली में होते हैं, ये जो इंटरनल फोर्सेज होते हैं दो ऑब्जेक्ट दो सिस्टम के बीच में, ये इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इस वजह से इनका नेट फोर्स जो होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक, अगर मैं बात करूं क्या अंदर पे जब अंदर से जब वॉल में कार की वॉल को आप पुश करोगे तो क्या कार मूव करती है? कभी नहीं मूव करती। अगर आपको कार को मूव कराना है तो आपको बाहर से पुश करना पड़ेगा, है ना? क्यों ऐसा? इस वजह से होता है क्योंकि आप अगर कार के अंदर से फोर्स लगा रहे हो तो वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, कार के अंदर हो आप, ठीक, सराउंडिंग के कॉन्टेक्ट में नहीं हो, कार बंद है, ठीक है, और आप कार के अंदर से फोर्स लगा रहे हो सो दैट विल बी द इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स
का जो नेट सम होता है दैट विल बी जीरो। ठीक, तो इस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करते हैं। आप यहां समझ रहे हो कि भाई अगर इसने कार पे फोर्स एफ राइटवर्ड लगाया तो इतना ही फोर्स इसने एफ फ्रिक्शन फोर्स की तरह फ्रिक्शन फोर्स के फॉर्म में बैकवर्ड लगा दिया। ठीक है, इस वजह से जो इस फोर्स का वर्क है वो जीरो हो जाएगा, इस फोर्स का नेट फोर्स नेट इंपैक्ट जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम बाहर से एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये कार मूव करने लगेगी। ठीक है, क्योंकि अब इस बार ये जो मैन यहां पे फोर्स लगाएगा ये फ्लोर पे लगाएगा, लेकिन वो फ्लोर कार की नहीं होगी। ठीक है, तो एक तरह से नीचे से मैन जो है इस फ्लोर को पीछे की तरफ पुश कर रहा है और इस कार को आगे की तरफ पुश कर रहा है। ठीक, अब फ्लोर तो पीछे नहीं जाएगी लेकिन कार आगे जरूर चली जाएगी। समझ पा रहे हो ना? ठीक, तो ये पूरा कंसेप्ट है एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्सेस का। तो याद रखिएगा, जब भी हम एफबीडी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने सिस्टम को एनालाइज करना होता है। क्या एनालाइज करना होता है? सिस्टम। ठीक, तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम को फिक्स करेंगे। यहां पे हमने पहले अपना सिस्टम फिक्स किया, जब हम M1 पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे M1 का, देन आवर सिस्टम विल बी M1। जब हम M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे देन आवर सिस्टम विल बी M2। जब हम M1 प्लस M2 का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे देन आवर सिस्टम विल बी M1 प्लस M2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पे सबसे पहले हमने M1 का FBD बनाया है। ठीक है, M1 के FBD को बनाने के लिए सबसे पहले हमने M1 को सिस्टम लिया। दूसरी चीज, हमने M1 को एक पॉइंट सिस्टम की तरह शो किया यहां पे, क्लियर, पॉइंट मास की तरीके शो किया। आफ्टर दैट वी विल एनालाइज द फोर्सेस ऑन दिस M1। ठीक है, तो इस M1 पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं इनको देखते हैं। तो देखिए M1 पे आपके दो फोर्सेस लगेंगे, पहला फोर्स आपका मैन अप्लाई करेगा इस M1 में और दूसरा फोर्स इसका वेट। ठीक, तो वेट जो है ये M1G वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और जो फोर्स मैन अप्लाई कर रहा है इस ब्लॉक पे वो वर्टिकली अपवर्ड होगा बिकॉज दैट विल बी द नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स बिटवीन मास एम एन पर्सन एम टू। क्लियर, सो दे आर टू फोर्सेस, वन इज एन एंड वन इज एम वन जी। ठीक है, तो जो मैन इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा ये नॉर्मल फोर्स एन हो जाएगा और जो ब्लॉक इस मैन पे फोर्स लगाएगा वो भी एन ही हो जाएगा बट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। भाई जितना फोर्स मैन ब्लॉक पे लगाएगा उतना ही फोर्स ब्लॉक भी मैन पे लगाएगा, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ ये हो गई आपकी एफबीडी इस ब्लॉक की, अब हम एफबीडी बनाते हैं मैन की। ठीक, तो मैन की एफबीडी बनाने के समय आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि भाई मैन पे जो फोर्स लग रहे हैं हम उनकी बात करेंगे, मैन जो फोर्सेस लगा रहा है उनकी बात हम नहीं करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने मैन को एक पॉइंट मास की तरह, एक ब्लॉक की तरह ट्रीट किया, इसका मास M2 है, इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं एक्चुअली वो पहला फोर्स तो होगा बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द ब्लॉक एंड द मैन, सेकेंड फोर्स इज बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्लोर एंड द मैन, एंड थर्ड फोर्स इज द वेट ऑफ दिस मैन। ठीक है, तो तीन फोर्सेज यहाँ पे मैन पे लगेंगे। ठीक, अब इन तीनों फोर्सेज को हम यहाँ पे शो करते हैं। तो पहला फोर्स तो आपका ये N हो जाएगा, ये N, दिस इज द नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द मैन, तो N की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी क्योंकि हम वो फोर्स देख रहे हैं जो इस मैन पे लग रहा हो और जो ब्लॉक इस मैन पे फोर्स लगाएगा नॉर्मल फोर्स दैट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, दूसरा फोर्स जो फ्लोर लगा रही होगी इस मैन पे वो भी नॉर्मल फोर्स ही होगा कॉन्टैक्ट की वजह से है। ठीक है, और वो जो फोर्स होगा ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम n नहीं लेंगे, हम n डैश लेंगे क्योंकि हमें पता है जितना फोर्स ब्लॉक मैन पे लगाएगा जरूरी नहीं है कि उतना ही फोर्स फ्लोर भी मैन पे लगा दे। ठीक है, हो सकता है ये फ्लोर मैन पे ज्यादा फोर्स लगा रही हो। ठीक है, क्योंकि मैन जो है ये फ्लोर पे ज्यादा फोर्स लगा पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि भाई मैन जो है ये इस फ्लोर को आप खुद समझ लो, जितना फोर्स मैन इस ब्लॉक पे लगाएगा उससे ज्यादा ही फोर्स मैन फ्लोर पे लगाएगा। ठीक है, ये आगे चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, अभी हम सिर्फ FBD की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वजह से जो नॉर्मल फोर्स ये फ्लोर अप्लाई कर रही होगी मैन पे दैट इज वर्टिकली अपवर्ड एंड दैट विल बी N डैश। ठीक है, तीसरा फोर्स जो इस ब्लॉक पे लग रहा होगा, इस मैन पे लग रहा होगा दैट इज इट्स वेट, और इसका वेट कितना होगा, इसका मास M2 है तो वेट इसका M2G हो जाएगा, सो दिस विल बी योर थर्ड फोर्स। ठीक है, तो ये इस तरह से FBD हो गई आपकी, ये M1 की FBD हो गई, ये मैन की FBD हो गई, दिस इज द FBD ऑफ ब्लॉक, दिस इज द FBD ऑफ मैन। नाउ लेट अस ड्रॉ द FBD ऑफ मैन प्लस ब्लॉक एज अ सिस्टम, ब्लॉक एज अ सिस्टम। ठीक है,
तो इस बार स्टूडेंट्स हमने मैन और ब्लॉक को एक सिस्टम मान लिया है, ठीक है। तो इस केस में अब आपको एफबीडी बनानी है इस सिस्टम की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ब्लॉक बनाएंगे जिसका मास m1 प्लस m2 के बराबर है, ठीक। अब इस पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे हम सिर्फ वही फोर्सेस ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब मैन और ब्लॉक मिला के हमारा सिस्टम हो जाएगा, ये अगर अपना सिस्टम हो गया, ठीक। तो इस पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, अब ये देखते हैं। तो पहला फोर्स तो इस ब्लॉक में इस कॉन्टेक्ट की वजह से होगा जो फ्लोर लगा रही होगी, सो द नॉर्मल फोर्स ऑफ फ्लोर, क्लियर। एंड सेकेंड फोर्स इज बिकॉज ऑफ इट्स वेट, ठीक है। तो इसका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगा रहा होगा m1 प्लस m2 इनटू g। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। हमने m1 और m2 को मिला के सिस्टम लिया है, ठीक है। इस पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं हमसे वही शो करेंगे, क्लियर। और दूसरा फोर्स ये फ्लो लगा रही होगी इस सिस्टम पे ऊपर की डायरेक्शन में, दैट विल बी n डैश, ठीक है। ये फोर्स अभी भी n डैश ही होगा, ठीक है। ये फोर्स अभी भी n डैश ही होगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसको n डैश n डबल डैश ले सकते हो, लेकिन बाद में हम ये प्रूव करेंगे कि ये फोर्स जो है ये अभी भी n डैश ही है, क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप m1 प्लस m2 को मिला के एक सिस्टम ले रहे हो तो उस केस में जो m1 m2 पे फोर्स लगा रहा है, जो m2 m1 पे फोर्स लगा रहा है, भाई वो तो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, जब हम सिस्टम इसको कंसिडर कर रहे हैं, क्लियर। अगर हमने इस पूरे को एक सिस्टम लिया है, ठीक, तो m1 m2 जो पे जो फोर्स लगा रहा है या फिर m2 m1 पे जो फोर्स लगा रहा है, दैट विल बिकम योर इंटरनल फोर्सेस, और इंटरनल फोर्सेस की बात हम एफबीडी में नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, भाई पहले हमें क्या करना है, सिस्टम सिलेक्ट करना है। एक बार हमने सिस्टम सिलेक्ट कर लिया, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है। बहुत ही सिंपल और बेसिक चीज है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सिंपल जो चीजें हैं इसमें, ये फ्री बॉडी डायग्राम ही है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय आपको बस कुछ चीजें ध्यान रखनी है। नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस लगेगा, ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स विल अपोज द रिलेटिव मोशन, एंड टेंशन फोर्स इज अ पुलिंग फोर्स। ये चार चीज आपको ध्यान रखनी है, इनको साइड में करते हैं। दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है, क्लियर, पांचवी चीज, फिफ्थ थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट हमें पहले सिस्टम सिलेक्ट करना है। एक बार हमने सिस्टम सिलेक्ट कर लिया, फिर उस सिस्टम पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे, एंड देन वी हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, सिंपल, ठीक। अब इस केस में स्टूडेंट्स हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे ये मास है स्मॉल m, ठीक है, ये मास स्मॉल m है, सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा, सॉल्यूशन आई हैव टू रब दिस सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। तो भाई ये मास स्मॉल m है, और इस स्मॉल m में m को एक वेज पे रखा गया है, वेज की सरफेस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो वेज की सरफेस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है, और ये जो सरफेस है ये रफ है, और इस मास में एक स्प्रिंग जुड़ी हुई है जो कि यहां से फिक्स है, ये स्प्रिंग फिक्स है यहां पे, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है इस मास m की एफबीडी बनाइए, ठीक है। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड डू इट बाय योरसेल्फ, देन यू हैव टू सी द सॉल्यूशन स्टूडेंट, जस्ट डू इट। तो आई होप कि आपने खुद से ट्राई किया होगा। बहुत ही सिंपल चीजें, देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम मास को फ्री कर लेंगे, दिस इज अवर फ्री मास स्मॉल m, क्लियर। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे, सबसे पहले हमने मास को एकदम अलग कर लिया, ठीक है। अब इस मास में लगने वाले सारे फोर्सेस ऑब्जर्व करते हैं। तो एक फोर्स आपका ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा फोर्स आपका इस सरफेस के कॉन्टेक्ट की वजह से लगेगा, दैट इज द नॉर्मल फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्लियर। तीसरा फोर्स जो इसमें लगेगा वो आपका स्प्रिंग फोर्स लगेगा, दैट इज अलोंग द प्लेन ऑफ द सरफेस, ठीक है। और जो चौथा फोर्स इसमें लगेगा, क्योंकि सरफेस रफ है और इस ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे जाने की है, अब इस ब्लॉक की टेंडेंसी अगर नीचे जाने की है तो फ्रिक्शन इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, क्लियर। नाउ लेट अस ड्रॉ द फोर्सेस, लेट अस ड्रॉ द फोर्सेस। सो दिस विल बी एम जी, ओके, ग्रेविटी फोर्स दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्लियर, एंड फ्रिक्शन फोर्स दैट इज अलोंग द सरफेस, एंड स्प्रिंग फोर्स दैट इज के एक्स। सो दिस विल बी द एफबीडी ऑफ दिस ब्लॉक, आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सिस्टम एनालाइज करना है, उस पर फोर्सेज देखने हैं, और उन फोर्सेज को बना देना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। एक चीज जो यहाँ ध्यान रखनी है कि भाई अभी ये नॉर्मल वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है हमें ये सब कुछ नहीं पता, एक रफ फिगर है ये, ठीक। तो नॉर्मल का हम वर्टिकल से एंगल भी निकाल सकते हैं, ये नॉर्मल वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा होगा
वी कैन फाइंड दिस एंगल. ओके, सो लेट अस फाइंड, इसको फाइंड करते हैं. ठीक, देखिए फिजिक्स से फाइंड करते हैं, फिर मैथ से भी फाइंड करेंगे. क्लियर? तो पहले देखते हैं कि भाई ये वेज जो है ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है. ठीक, पहले फिजिक्स से समझते हैं कि भाई ये एंगल कितना होगा, जो नॉर्मल वर्टिकल से एंगल बना रहा है ये एंगल कितना हो जाएगा. ठीक है, देखते हैं उसको. तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान करो, ये ध्यान रखो कि भाई जब आपका ये वेज, अगर इस वेज को हम क्लॉकवाइज एंगल थीटा से रोटेट कर दें, इस वेज को अगर हम क्लॉकवाइज एंगल थीटा से रोटेट कर दें तो ये वेज हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और इसका नॉर्मल जो है ये वर्टिकल हो जाएगा, क्योंकि भाई नॉर्मल तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा हमेशा. ठीक है, अब इस वेज को अगर हम थीटा एंगल से रोटेट कर दें, थीटा एंगल से रोटेट कर दें, तो नॉर्मल भी जो है आपका वो थीटा एंगल से ही रोटेट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो है स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल है वो आपका इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा अभी भी. ठीक, तो सरफेस अगर थीटा से रोटेट कर रही है तो नॉर्मल भी वर्टिकल से थीटा एंगल पे रोटेट कर देगा, इनिशियल से थीटा एंगल पे रोटेट कर जाएगा नॉर्मल भी. ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं, आप इसको इस तरह से एक बार फिर से समझ सकते हो कि भाई ये सरफेस अगर इस तरह से है तो इसका नॉर्मल जो है ये परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा. अगर इस सरफेस को हम हॉरिजॉन्टल कर दें तो नॉर्मल वर्टिकल हो जाएगा. मतलब इस सरफेस को हमने थीटा एंगल से घुमा के हॉरिजॉन्टल किया तो नॉर्मल वर्टिकल हो जाएगा. मीन्स नॉर्मल जो है ये भी थीटा एंगल से, वर्टिकल से थीटा एंगल पे होगा इस समय. क्लियर? तभी तो अगर इस सरफेस को हमने थीटा से रोटेट किया तो नॉर्मल भी वर्टिकल हो गया. इसका मतलब नॉर्मल थीटा से ही रोटेट हुआ होगा, नॉर्मल वर्टिकल हो गया, इसका मतलब वर्टिकल से नॉर्मल थीटा एंगल पे ही होगा. चलिए इसको मैथ से समझने की कोशिश करते हैं. सो ये एंगल अगर थीटा है, दिस विल बी 90 डिग्री, दिस विल बी 90 माइनस थीटा. ओके, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, दिस एंगल. सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंड दिस कंप्लीट इज 90, सो दिस इज थीटा. आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे किस तरीके से हमने किया. वैसे तो आप फिजिक्स से अगर देखोगे तो ये तुरंत आपको समझ में आ रहा है कि भाई अगर सरफेस थीटा से रोटेट हुई है तो नॉर्मल भी थीटा से ही रोटेट होगा. क्लियर? सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. फ्री बॉडी डायग्राम की हमें आगे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है. ठीक है, इस वजह से मैंने कुछ प्रैक्टिस आपको करा दी है फ्री बॉडी डायग्राम की. मैंने आपको बताया कि इंटरनल फोर्सेस का वर्क क्यों जीरो होता है, इंटरनल फोर्सेस का सम क्यों जीरो हो जाता है. ठीक है, तो अब आपको इंटरनल फोर्सेस लेने की कभी जरूरत नहीं है. इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो सिस्टम के अंदर से लग रहे हों. ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ फोर्स लगा रहे होंगे सरफेस पे, बॉक्स की सरफेस पे. ठीक, लेकिन अगर हम देखेंगे कि बॉक्स में कितना फोर्स लग रहा है, ओवरऑल फोर्स ऑन द ब्लॉक. ठीक है, ओवरऑल फोर्स ऑन द बॉक्स, तो हम जो गैस मॉलिक्यूल्स अंदर से फोर्स लगा रहे होंगे उनको नहीं लेते हैं. क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स अगर गैस का एक मॉलिक्यूल मान लीजिए 5 न्यूटन फोर्स इस तरफ लगा रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल 5 न्यूटन फोर्स राइट हैंड साइड भी लगाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो गैस में प्रेशर होगा वो तो सेम ही होगा. समझ पा रहे हो ना चीजें? इस वजह से ये इंटरनल फोर्स होते हैं और इंटरनल फोर्सेस का जो सम होता है वो हमेशा जीरो होता है. इस वजह से जब हम बॉक्स की बात करेंगे, चाहे उसमें एयर हो चाहे ना हो, हम जो फोर्सेस उसमें देखेंगे, जो फोर्सेस उस बॉक्स पे लग रहे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ उसके एक्सटर्नल फोर्स ही हम देखेंगे. ठीक है, मीन्स उसकी सरफेस से कितना फोर्स लग रहा है और उसके वेट कितना है, उसके वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा हो. ठीक, से हमें इन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे. ठीक, कभी भी जब आप कोई सिस्टम लो, ठीक, कभी भी जब आप कोई सिस्टम लो, सिस्टम कंसिडर करो, तो सिस्टम पे जो बाहर से फोर्स लग रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना है. ठीक है, दूसरी चीज सिस्टम के वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसे ऑब्जर्व करना है. ठीक, तो ये चीज़ें बहुत ही सिंपल है. एक्चुअली में ये कन्फ्यूजन कभी आपको होगा नहीं कि ये इंटरनल फोर्स है कि नहीं है, ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हो. जब अंदर से फोर्स लग रहा हो, सिस्टम क्लोज हो, अंदर साइड से फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई सराउंडिंग कोई इफेक्ट नहीं है सिस्टम में. ठीक है, तो वो फोर्स, अगर सराउंडिंग का कोई इफेक्ट नहीं है उस फोर्स में, तो फोर्स जो है वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा. ठीक, नाउ उसके बाद हमने FBD देखी, फ्री बॉडी डायग्राम के कुछ सिंपल एप्लीकेशंस हमने देखे. लेकिन जैसे जैसे हम प्रॉब्लम में आगे बढ़ेंगे, हम कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स के भी, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स के भी फ्री बॉडी डायग्राम आगे अपने न्यूमेरिकल्स में देखेंगे. ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ करते हुए चलेंगे कंसेप्ट के साथ. तो अभी आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है. ठीक है, FBD फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है. अब हम आगे मूव कर रहे हैं अपने टॉपिक में. सबसे पहले नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से.
लेकिन स्टूडेंट्स आपको नोट्स अपने साथ साथ बनाते हुए चलना है, ठीक, चीज़ें रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक। कोई रेफरेंस बुक अगर आप लेते हो तो ज़्यादा सही है, एस सी वर्मा यू कैन प्रीफर, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस करते हो एक्स्ट्रा तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आई होप कि आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते रहने चाहिए, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज सुरेश वाजपेयी एंड दिस इज द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सुप्रीम 60। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ फोर्सेस की, ठीक है। मैंने बताया था कितने तरह के फोर्सेस हो सकते हैं, किस फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी और कैसे उसकी वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक। इन सब की बात हमने कर रखी है, ठीक। नॉर्मल फोर्स को हमने देखा, उसकी डायरेक्शन देखी, फ्रिक्शन फोर्स देखा, उसकी डायरेक्शन देखी, टेंशन फोर्स देखा, उसकी डायरेक्शन देखी, स्प्रिंग फोर्स देखा, उसकी डायरेक्शन, उसकी वैल्यू भी देखी, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स देखा कि भाई उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड होगी हमेशा। सो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने फ्री बॉडी डायग्राम की बात करी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर। किसी भी सिस्टम को एनालाइज करने के लिए हमको उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। सिस्टम का एनालिसिस से ये मतलब है कि हमें दिया गया है कि इस पे इतने 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 फोर्स लग रहे हैं और हमें बताना है कि उस सिस्टम का इन सारे फोर्सेस की वजह से जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉक है या फिर एक कार है हमारे पास, ठीक। उस कार में एक फोर्स राइट वर्ड लग रहा है 10 न्यूटन का, लेफ्ट वर्ड लग रहा है 5 न्यूटन का, फ्रिक्शन भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक। सारे फोर्स 5-6 फोर्सेस लग रहे हैं और आपसे पूछा गया है कि इस कार का एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हम क्या करेंगे, पहली चीज़ हम उस कार का FBD बनाएंगे, उस कार की FBD बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। फिर उसका हम एक्सेलरेशन वगैरह कैसे निकालेंगे इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमें कुछ चीज़ें समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं, ठीक है। उनको समझेंगे, पहले न्यूटन्स लॉज की हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस तरह की प्रॉब्लम को कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो द पॉइंट्स दैट वी हैव टू कवर इन दिस लेक्चर आर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ऑलरेडी आप इससे फैमिलियर हो, ठीक है, इनको जानते हो, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ आप अच्छे से जानते हो। लेकिन आज उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स जिनसे आप समझ सकते हो इन लॉज को, ठीक। नाउ आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम कंडीशन। भाई ये इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है इसकी बात करेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन नाम से ही क्लियर है, चीज़ें इक्विलिब्रियम में हैं, ठीक। इक्विलिब्रियम में चीज़ें कब होती हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ठीक है। मीन्स जब फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट के इक्वल हो जाए, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन में जब फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाए, देन द रिएक्शन इज सेड टू बी एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, फिजिक्स में इसको समझते हैं। जब एक सिस्टम है आपके पास, उस सिस्टम में, उस ब्लॉक में जब राइटवर्ड फोर्स लेफ्टवर्ड फोर्स के बराबर हो जाए, ठीक है, जब हम कहें अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाए, या फिर हम इस तरह से कहें कि भाई नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो हो जाए, सो उस केस में जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा टाइम के साथ, ठीक है। वेलोसिटी कुछ होगी, हो सकती है, ये भी हो सकता है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो लेकिन इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ ये, एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होगी, ये इक्विलिब्रियम का मतलब नहीं है, इसको नोट कर लेना। कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो वेलोसिटी जीरो है ये सही चीज़ नहीं है, हाँ वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, ठीक है। वेलोसिटी में कोई चेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होगा इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट द सूडो फोर्स। सूडो फोर्स की आज हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए सूडो फोर्स का मतलब क्या है, सूडो का मतलब होता है रॉन्ग, क्लियर, रॉन्ग, और वी कैन से फॉल्स, फॉल्सी, ठीक। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स मतलब कि गलत, ठीक है। गलत फोर्स जो हमें, जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आ रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। सूडो फोर्स क्या है, आप इस तरह समझ सकते हो कि मान लो एक लिफ्ट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक लिफ्ट है, आप लिफ्ट के अंदर हो, ठीक। तो जब आप लिफ्ट के अंदर हो, आप लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो आपको क्या लगेगा कि लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो आपको ऐसा लगेगा कि जो लोग हैं वो नीचे जा रहे हैं, अगर आप लिफ्ट में हो, है कि नहीं। अगर मान लो कि आप लिफ्ट से बाहर नहीं निकल रहे हो, ठीक है, आप लिफ्ट के ही अंदर हो, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो आपको लगेगा लिफ्ट ऊपर नहीं जा रही है, लिफ्ट तो रेस्ट में है, लेकिन ये लोग जो है वो नीचे जा रहे हैं, समझ पा रहे हो ना। तो आपको क्या लगेगा कि आप पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन जो सराउंडिंग है उस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये लोग नीचे जा रहे हैं, क्लियर।
लेकिन ये गलत इंटरप्रिटेशन है आपका, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में जो फोर्स है वो हम पे लग रहा है, जो लिफ्ट में मैन है उस पे लग रहा है। ठीक, इसको आप इस तरह समझो भाई, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट ए के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। ठीक, इस लिफ्ट में एक मैन है, बाहर एक मैन है, क्लियर। बाहर जो मैन है वो एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ अर्थ भी कैसे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ अर्थ, रेफरेंस ऑफ रेफरेंस फ्रेम इज अर्थ, रेफरेंस फ्रेम इज व्हाट इज अर्थ, क्लियर। तो ये जो मैन है जो बाहर है वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है, इनर्शियल वी मीन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी मीन्स टू से रेफरेंस फ्रेम इज अर्थ, क्लियर। तो भाई ये जो मैन अर्थ पे खड़ा है इसको क्या दिखेगा कि ये लिफ्ट ए के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, लेकिन जो मैन अंदर है ठीक ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और वी कैन से एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एफ ओ आर मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्लियर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बात कर चुके हैं काफी। तो जब ये मैन जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है ये इसे ऑब्जर्व करेगा तो इसको इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, जो कि सही है, बिल्कुल सही चीज है। ठीक, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के परस्पेक्टिव से चीजें जो हम बात करते हैं वही रियल होती हैं। ठीक, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इसकी बात करें, इस मैन की बात करें जो लिफ्ट के अंदर है, वो अगर इस मैन को ऑब्जर्व करेगा तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा भाई लिफ्ट का एक्सेलरेशन तो कुछ नहीं है, लेकिन ये मैन जो है ये ए के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, इसका मतलब जरूर इसमें कोई फोर्स लग रहा होगा, जरूर से इसमें कोई फोर्स लग रहा होगा जो एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस कर रहा है। अब जो इसमें फोर्स लग रहा होगा दैट इज कॉल्ड द सूडो फोर्स, ठीक है। तो सूडो फोर्स कुछ नहीं, जब हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में जब हम आते हैं तो सराउंडिंग में सूडो फोर्स लगने लगता है, सराउंडिंग में लगता है सूडो फोर्स, ठीक है। अब ये सूडो फोर्स कितना होगा, क्या होगा, इसकी बात हम बाद में करेंगे, इस तरह के हम और एग्जांपल्स देखेंगे जहां पे सूडो फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये पोर्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर मोशन में भी हम बात करेंगे सूडो फोर्सेस की, ठीक है। तो ये चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो दीज पॉइंट वी हैव टू कवर इन दिस चैप्टर। ये सेशन आज का पूरा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में काफी सारे एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद इक्विलिब्रियम की कंडीशन काफी सारे एग्जांपल्स इसमें हम देखेंगे, काफी सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे, आफ्टर दैट सूडो फोर्स काफी सारे एग्जांपल्स है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इन सब की बात हम करने वाले हैं आज के सेक्शन में, ठीक। तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑलरेडी आपको आता है, तो ये चीजें आराम से बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी, बस आपको पेशेंस के साथ आराम से यहाँ बने रहना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को समझने के पहले सबसे पहले हम समझते हैं ये इनर्शिया क्या है, ठीक है। सो इनर्शिया का मतलब है स्टूडेंट्स कि कोई बॉडी है, ठीक है, तो वो अपनी स्टेट नहीं चेंज करेगी जब तक उस पर कोई इफेक्ट ना डाले, कोई फोर्स ना लगाए हम। फॉर एग्जाम्पल जब आप बस में होते हो, ठीक है, मान लो बस अभी रेस्ट में है, क्लियर, आप चेयर पे बैठे हो, बस रेस्ट में है, या फिर चलो आप खड़े हो, ठीक है, अगर बस जो है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है, या फिर बस पे एक फोर्स लगे, बस आगे की तरफ मूव करने लगे, बस मोशन में आ जाए, तो क्या होगा, तो आपको एक पीछे की तरफ जर्क लगेगा, ठीक है। क्यों लगेगा ये जर्क, क्योंकि आपकी जो इनिशियल स्टेट थी वो रेस्ट की थी, ठीक है, आपकी जो इनिशियल स्टेट थी वो रेस्ट की थी, बस रेस्ट पे थी, आप भी रेस्ट में थे, बस का मोशन हो गया क्योंकि बस में तो एक फोर्स लग गया, बस के टायर्स में टॉर्क लगा बिकॉज ऑफ सम रिएक्शन, सम पेट्रोलियम इफेक्ट्स, ठीक है, बस में टॉर्क लगा मैकेनिकल इफेक्ट्स की वजह से, ठीक, तो बस तो मूव करने लगी, लेकिन भाई आप में तो कोई फोर्स और टॉर्क नहीं लगा, ठीक है, तो इस वजह से आपको एक पीछे की तरफ जर्क मिला, क्योंकि आपकी पोजीशन इनिशियली रेस्ट में थी, और इनर्शिया ये बोलता है कि भाई जब तक आप पे कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक आपकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी, मतलब आप रेस्ट पे थे तो आप रेस्ट पे ही रहोगे, क्योंकि बस में फोर्स लगा, बस आगे जाने लगी, लेकिन आप में तो कोई फोर्स नहीं लगा था, तो आप पहले रेस्ट में ही रहोगे, लेकिन क्या होता है, एक जर्क लगा, फिर हमने चेयर होल्ड कर ली, ठीक है, चेयर पकड़ ली, कुछ भी जो आसपास की सराउंडिंग है उसको हमने टाइटली
हैंड कर लिया, ठीक है, टाइटली पकड़ लिया, तो क्या होगा? उसकी वजह से फिर हम पे बस एक फोर्स लगाने लगी जिसकी वजह से हम भी मोशन में आ जाएंगे, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो यही होता है क्या कि जब आप रेस्ट पे थे तो आप रेस्ट पे रहोगे जब तक आप पे कोई फोर्स ना लगे, क्लियर? अगर मान लो कि बस की जो फ्लोर है वो फ्रिक्शन लेस है और कोई आसपास सराउंडिंग में नहीं है तो क्या होगा भाई, बस तो स्टार्ट हो जाएगी लेकिन आप स्लिप होके पीछे से बाहर, ठीक है? तो ये चीज जो है, ये चीज बता रही है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक। दूसरी चीज देखते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? दैट अ पर्सन एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट विल बी इन रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक। लेट अस टॉक अबाउट द लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगा दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, बस चल रही है और आप बस के अंदर हो, ठीक, बस भी मोशन में है, आप भी मोशन में हो, क्लियर। कंडक्टर ने क्या करा, एकदम से ब्रेक अप्लाई कर दिया, ठीक। तो क्या होगा, इस बार आप में जो जर्क होगा वो आगे की तरफ लगेगा, समझ पा रहे हो? इस बार जो आप में जर्क लगेगा वो आगे की डायरेक्शन में लगेगा। और वो क्यों लगेगा? क्योंकि आपकी जो स्टेट है वो इस समय मोशन की है, क्लियर। और इनर्शिया ये बोलता है कि जब तक आप पे कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक आप अपनी स्टेट नहीं चेंज कर पाओगे, मतलब आप मोशन में हो तो मोशन में ही रहोगे जब तक आप पे कोई फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बस में तो फ्रिक्शन फोर्स लग गया क्योंकि टायर्स जाम हो गए, ठीक है, ब्रेक अप्लाई किया बस कंडक्टर ने तो टायर्स जो है वो जाम हो गए, ठीक है। अब बस पे तो फ्रिक्शन फोर्स लग गया फ्लोर की वजह से, ग्राउंड की वजह से, तो बस रुक गई, लेकिन आप पे कोई फोर्स अभी नहीं लगा था, तो आपको आगे की तरफ जर्क लगा। जब आपने फिर से चेयर्स वगैरह को होल्ड किया तब आप पे फोर्स लगा तो आप भी रुक गए, समझ पा रहे हो? लेकिन क्या हो कि अगर बस में फ्रिक्शन भी ना हो और आसपास कुछ पकड़ने के लिए भी ना हो तो क्या होगा, बस जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेगी, कंडक्टर जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेगा, आप बाहर, है ना? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया की तो अभी हम बात करेंगे, अभी हम बेसिकली सिर्फ इनर्शिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ये बताता है कि अ बॉडी इज इन रेस्ट विल बी इन रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। अ बॉडी इज इन मोशन विल बी इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। इट मीन्स इफ वी जनरलाइज दिस रिजल्ट, क्लियर, देन इनर्शिया इज सेड दैट द बॉडी, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी एक्चुअली, ठीक है। इट इज अ property of a body which states that a body will not change its state of rest and motion unless acted upon by some external force, ठीक है। तो body अपनी state तब तक नहीं change करेगी जब तक उस पर कोई force ना लगे, clear। एक cycle है, cycle आप चला रहे हो, pedal मारना बंद कर दो वो cycle कुछ समय के बाद रुक जाएगी, motion में क्यों नहीं बनी रहती है? क्योंकि उस पर एक friction force लग रहा है opposite direction में tires पे, ठीक है। इसी वजह से अगर हम पैडल मारना बंद कर देंगे तो क्या होगा, साइकिल कुछ समय के बाद रुक जाएगी क्योंकि उस पर एक फोर्स लग रहा है, उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसकी स्टेट नहीं चेंज होगी। अगर साइकिल पे फ्रिक्शन फोर्स ना लग रहा होता तो साइकिल चलती चली जाती, आपको पैडल मारने की जरूरत ना पड़ती और वो साइकिल चलती चली जाती कॉन्स्टेंट स्पीड से, समझ पा रहे हो ना? क्लियर। तो कोई भी चीज़ है सराउंडिंग में, कोई भी चीज़ है इस यूनिवर्स में, अगर उसकी स्टेट हमें चेंज करनी है तो हमें उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। अगर उसे रेस्ट से मोशन में लेके आना है तो हमें मोशन के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन चाहते हैं उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम उसे मोशन से रेस्ट में लाना चाहते हैं तो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया और सिंपली इनर्शिया, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो है ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, ए बॉडी विल नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब हम अच्छे से जानते हैं कि भाई जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करा जाएगा, बॉडी में बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करा जाएगा, तब तक बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है अगर तो मोशन में ही रहेगी, क्लियर। तो ये सिंपल सी चीज थी जिसको बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये हम पहले भी समझ चुके हैं। कुछ और एग्जांपल्स इसके देखते हैं। मान लीजिए एक ग्लास है आपके पास, ठीक है, ग्लास के ऊपर एक कार्ड शीट रखी है, उसके ऊपर एक कॉइन रखा है, ठीक। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक ग्लास है,
ग्लास के ऊपर कार्ड शीट रखी है, एक शीट रखी है, उसके ऊपर एक कॉइन रखा है। अगर आप इंस्टेंटेनियसली इस कार्ड शीट को खींचते हो, ठीक है, तो क्या होगा, कॉइन जो है वो ग्लास के अंदर चला जाएगा। समझ पा रहे हो ना? क्यों? क्योंकि आपने जो है ये फोर्स अप्लाई किया शीट पे, शीट तो बाहर आ गई क्योंकि आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया, तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, रेस्ट पे थी तो मोशन में आ जाएगी, लेकिन कॉइन पे फोर्स नहीं लग पाया। ठीक है, इतने छोटे से इंस्टेंट में आपने सडनली उसको पुल किया तो कॉइन पे कोई फोर्स नहीं लग पाया, इसका मतलब कॉइन की स्टेट नहीं चेंज होगी, इसी वजह से कॉइन जो है वो ग्लास में गिर जाता है। ठीक है, अगर हम ब्लैंकेट्स की बात करें, एक ब्लैंकेट को हमने इस तरह से झाड़ा, ठीक है, तो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ब्लैंकेट मोशन में आ गया लेकिन पार्टिकल्स जो थे वो मोशन में नहीं आए। ठीक है, अगर मैं ब्लैंकेट को इधर किया तो पार्टिकल्स जो है वो पीछे छूट जाते हैं। क्लियर? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक, तो और वी कैन से द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया जो है इस तरह से तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो। क्लियर? इनर्शिया ऑफ रेस्ट आप समझ रहे हो कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसमें कोई ब्रेक, जब तक उसमें कोई फोर्स ना अप्लाई किया जाए। ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल बी इन रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर? अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की, ये भी आप जानते हो, दैट अ बॉडी इज इन मोशन विल बी इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम समझ चुके हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन हम समझ चुके हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की हम बात करते हैं जरा। ठीक है, तो देखिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का ये मतलब है कि कोई बॉडी है वो मोशन में है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन भी तब तक नहीं चेंज होगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। ठीक है, एक बॉडी है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक वेलोसिटी 5 meter per second की वेलोसिटी जा रही है। ठीक है, अब उसकी वेलोसिटी सडनली अगर हमको मान लो चेंज करनी है, फिर सडनली नहीं, कुछ ग्रेजुअली चेंज करनी है। ठीक है, लेकिन ये चेंज तभी पॉसिबल है जब उस पर हम कोई फोर्स लगाएंगे। विदाउट एनी फोर्स द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? मतलब एक बॉडी जो है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लग जाए। क्लियर? सो द एनर्जी ऑफ रेस्ट इज द प्रॉपर्टी दैट बाय वर्च्यू ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल बी इन रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। एनर्जी ऑफ मोशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी इज इन मोशन विल बी इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। एनर्जी ऑफ डायरेक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विल कंटिन्यू मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में ये सिर्फ यही बताता है कि जिस सिस्टम के पास भी मास है, ठीक है, उसकी स्टेट चेंज कराने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। ये तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ की बात हो गई। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, वी कैन से द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हमें पढ़ने वाली है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। क्लियर? एक एक टर्म इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अभी तक जो आपने पढ़ा होगा वो F इज इक्वल टू MA पढ़ा होगा बस। क्लियर? लेकिन स्टूडेंट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे F की मीनिंग जो है वो भी आपको सही से नहीं पता है, और यहाँ पे जो MA है ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्लियर? क्योंकि इसमें तो कोई assumption ही नहीं है। ये जो F इज इक्वल टू MA है ये एक स्पेशल केस है सेकेंड लॉ का। ठीक है, अब ये कौन सा केस है इसकी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि बेसिकली ये अपना न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या। ठीक है, सो जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने इस तरह से लिखी है, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पहले मोमेंटम क्या है इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो मोमेंटम देखते हैं। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मींस मोमेंटम इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू एम इनटू वी। क्लियर? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू एम इनटू वी, एम इज स्केलर क्वांटिटी एंड वी इज वेक्टर क्वांटिटी, सो अवर मोमेंटम विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मोमेंटम जो है ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, मास और
वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत कम है, तो मोमेंटम आपका फाइनाइट होगा, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो भी मोमेंटम आपका फाइनाइट हो सकता है, क्लियर। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ज़्यादा हो और वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा हो, तो इस केस में तो मोमेंटम इनफाइनाइट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एलिफेंट है जो अप्रोक्सीमेटली 10^-5 की वेलोसिटी चल रहा है, ठीक है, क्लियर। और एक कार है, क्लियर, जो कि 10^5 की वेलोसिटी चल रही है, समझ पा रहे हो। तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? कार का ज़्यादा होगा, ठीक है। मोमेंटम जो है ये आपका मास इंटू वेलोसिटी, इसको ध्यान रखना, ठीक। जितना ज़्यादा मोमेंटम उतनी ही ज़्यादा ताकत लगेगी उस मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। ये चीज़ अभी आपको न्यूटन्स लॉ बताएगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ फिजिकली रिलेट करा पा रहा हूँ कि मोमेंटम एक्चुअली में फिजिकली हमें देता क्या है, ठीक। एक बॉल है हमारे पास, एक क्रिकेटर ने एक बॉल को शॉट किया, ठीक है, तो जो बॉल को, ठीक है, और हम यही चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? जब तक स्ट्रिंग ना चेंज हो तब तक टेंशन नहीं चेंज होनी चाहिए। हमें ये चाहिए क्या? When the string is same, the tension should be same. The tension should be same. अगर इन दोनों ब्लॉक्स पे या पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम नहीं हुई तो हमें टेंशन हो जाएगी, समझ पा रहे हो ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। फिर ये प्रॉब्लम रोटेशन की हो जाएगी, ये प्रॉब्लम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की नहीं होगी, ठीक है। तो रोटेशन में हम डिस्कस करेंगे जब पुली में मास भी होगा और पुली में फ्रिक्शन भी होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ हम रोटेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये पुली जो है ये आइडियल है और पुली मासलेस, इसका मतलब पुली मासलेस है या फिर फ्रिक्शनलेस है। अगर मासलेस है तो भी यही मतलब होगा कि टेंशन दोनों साइड इक्वल है, फ्रिक्शनलेस होगा तो भी यही मतलब होगा कि टेंशन दोनों साइड इक्वल है। अब ऐसा क्यों होगा इसकी बात हम आगे करेंगे रोटेशन में, ठीक है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का क्या मतलब है? इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का ये मतलब है कि स्ट्रिंग इज नॉट एक्सपेंडिंग, क्लियर। स्ट्रिंग इज नॉट एक्सपेंडिंग, क्लियर। तो जब भी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगी तो उस केस में क्या होगा? जितना डिस्प्लेसमेंट इसका x होगा ऊपर की तरफ, उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका x होगा नीचे की तरफ। जितनी वेलोसिटी इसकी होगी v ऊपर की तरफ, उतनी वेलोसिटी इसकी होगी v नीचे की तरफ। क्योंकि भाई स्ट्रिंग जो है ये बढ़ नहीं रही है, एक्सपेंड नहीं कर रही है, ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस वजह से जब स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होती है, स्ट्रिंग इज नॉट एक्सपेंडिंग, लेंथ इज कांस्टेंट, डेल्टा l इज़ इक्वल टू 0 वेयर l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, इस वजह से जितना एक्सेलरेशन, जितना डिस्प्लेसमेंट इसका, उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका, बस बट अपोजिट डायरेक्शन में। जितनी वेलोसिटी इसकी उतनी वेलोसिटी इसकी, जितना एक्सेलरेशन इसका उतना एक्सेलरेशन इसका, ठीक है। तो ये दो एजम्पशन बस इंपॉर्टेंट हैं, यही दो एजम्पशंस के साथ आपको इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करना है, ठीक है। जब भी कभी पुली वगैरह की प्रॉब्लम आपको दी जाए, कहा जाए पुली मासलेस है, तो समझ जाओ ये मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है। मासलेस पुली या फ्रिक्शनलेस पुली का सिर्फ ये मतलब है कि पुली में दोनों साइड टेंशन जो है ये सेम होगा। अब ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, इसको मैं रोटेशन में बताऊंगा, ठीक। लेकिन तब तक आप इसे ये याद रखो, जब रोटेशन स्टार्ट करेंगे तो पूछना है जरूर, ठीक है। तो मैं खुद बताऊंगा व्हाई दिस हैपेंस, क्लियर। लेकिन अभी नहीं बता सकते क्योंकि आप टॉर्क वगैरह कुछ जानते नहीं हो, ठीक है। इस वजह से बस अभी इतना याद रखो कि मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली, इसका मतलब सिर्फ ये है कि भाई यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, पुली में मास नहीं है, इन दोनों में से अगर कोई भी एक हुआ तो इसका मतलब टेंशन जो है दोनों साइड स्ट्रिंग में वो सेम हो जाएगी, मतलब दिस इज इक्वल टू टी एंड दिस इज ऑल्सो टी, क्लियर। अब इसमें कुछ नहीं बचा है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों assumptions को लेते हुए हमें अपनी प्रॉब्लम को प्रोसीड करना है। तो भाई जितना एक्सेलरेशन m1 का होगा ऊपर की तरफ, उतना ही एक्सेलरेशन m2 का होगा नीचे की तरफ, सो लेट द एक्सेलरेशन बी a, ओके। अब हमें क्या करना है, पहले हम m1 को ऑब्जर्व करेंगे, ये m1 हो गया, इसमें टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, m1g नीचे की तरफ लग रहा है, और इसका जो एक्सेलरेशन है ये अपवर्ड है, सही है। एक्सेलरेशन अपवर्ड होने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब है कि टी जो है m1g से बड़ा होगा। कौन सा फोर्स बड़ा होगा? टी की m1g, टी बड़ा होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन का फोर्स जो होगा ये बड़ा होगा। ये चीज, ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट नोट करने वाला है, ठीक है। इसमें कुछ लोग गलतियां कर देते हैं, ठीक। तो याद रखेंगे टी इज ग्रेटर देन m1g, सो लेट अस मेक द इक्वेशन इन दिस केस।
ये x एक्सिस हो जाएगी, ये y एक्सिस हो जाएगी, क्लियर। y एक्सिस में हम इक्वेशन बनाएंगे, सो द नेट फोर्स इन द y एक्सिस विल बी इक्वल टू m1a, क्लियर। सो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, क्लियर। सो t माइनस m1g विल बी इक्वल टू m1a, दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। नाउ लेट अस मेक द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम दिस ब्लॉक, क्योंकि यहां पे हम x एक्सिस में तो कोई इक्वेशन बना नहीं सकते, क्योंकि x एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं, ठीक। अब इस केस की हम बात करते हैं, इसमें भी टेंशन T ऊपर लग रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है ये मासलेस है, ठीक। एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ है और m2g नीचे की तरफ लग रहा है, क्लियर। सो ये FBD हो गई। नाउ द इक्वेशन विल बी नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, मींस m2g जो है ये T से बड़ा होगा, ठीक है। नाउ m2g माइनस T विल बी इक्वल टू m2a, आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू, ओके स्टूडेंट्स। Now this is your equation, this is your equation second, clear? तो अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे दो equation और दो unknown है, unknown यहाँ T है और A है, बाकी सारी चीज़ें हमें पता है, so we can solve this, okay? And we have to find the acceleration, so just add these equations. On adding, we have m2 minus m1 into g, this will be equals to m1 plus m2 into a, so from here we have m2 is 10, m1 is 5, this will be 10 minus 5, this 5 divided by 15 into g, means g by 3 is our acceleration in this case, ठीक है, g by 3 is the required acceleration. अब g आ चुका है, a आ चुका है, तो a की value put कर देंगे first equation या second equation, we will have the tension, ठीक है। इस तरह से हम इस equation को, इस तरह के questions को हम solve करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एक चीज हमें दिमाग में रखनी है वो ये है कि जब तक हमारी string नहीं change करेगी तब तक स्ट्रिंग में टेंशन भी नहीं चेंज करेगी, टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, तो इस ब्लॉक को भी ऊपर की तरफ पुल किया जा रहा है, इस ब्लॉक को भी ऊपर की तरफ पुल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, ये आपकी कुछ स्टेप्स हैं, लास्ट स्टेप जो सिक्स्थ है वो क्या है, सॉल्व द इक्वेशन, ठीक। तो ये स्टेप्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से हम वर्किंग विद द न्यूटन्स लॉ, हम न्यूटन्स लॉ को यूज कर पाते हैं इस तरीके से हम एक्सेलरेशन निकालने में, ठीक है। सो आई होप दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच क्लियर टू यू, क्लियर। और नेक्स्ट टर्न पे हम कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, क्लियर। अभी सूडो एक्सेलरेशन, सूडो फोर्स और इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट बचा हुआ है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट सम बेसिक न्यूमेरिकल्स लाइक दिस, ठीक। एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द सूडो फोर्स एंड इक्विलिब्रियम कंसेप्ट, ठीक है। सो फ्रॉम हियर इट्स ऑल एंड, थैंक यू गाइस। हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना होता है, क्लियर। तो अब ये समझते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर एक ये क्वेश्चन है, ये एक ब्लॉक है m1 मास है, ये दूसरा ब्लॉक है इसका मास m2 है, और ये तीसरा ब्लॉक है इसका मास m3 है, ठीक। आपसे कहा जा रहा है t1 स्ट्रिंग 1 में टेंशन है, t2 स्ट्रिंग 2 में टेंशन है, t3 स्ट्रिंग 3 में टेंशन है, क्लियर। अब इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है यहां से पुल कर रही है, यहां से इस ब्लॉक को पुल करेगी, ये पुलिंग, तो हमें हर जगह ये पुलिंग होगी, क्लियर। सो स्टूडेंट, आपसे कहा जा रहा है फाइंड t1 t2 एंड t3, भाई इसमें एक्सेलरेशन तो कोई नहीं होगा, ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा है सिस्टम, ये रेस्ट में है, तो एक्सेलरेशन तो इसमें कोई नहीं हो सकता, लेकिन इसमें हमसे कहा गया t1 बताओ, t2 बताओ, t3 बताओ, ठीक है। सो इन दिस केस वी हैव टू यूज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक। तो इस तरह की ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हमें सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने में हम किस तरह से न्यूटन्स के लॉ को यूज करेंगे, अब इसकी बात करते हैं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, उन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, ठीक है, उन पॉइंट्स की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। इन तीन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं भी आपके सामने दूंगा, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं, बहुत ही बेसिक हैं, लेकिन अभी आप अगर इनको पहली बार देख रहे हो तो ये आपके लिए थोड़ा सा नई चीज़ है, बस नई चीज़ है, जैसे ही आप इन सबसे फैमिलियर हो जाओगे तो आप मुझसे भी तेज करने लगोगे, आई नो, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मैं यहाँ पॉइंट्स लिख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, इनको ध्यान में रखना है, क्लियर। और कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यही स्टेप्स आप फॉलो करोगे स्टार्टिंग में, ठीक। फिर आप जब स्पीड में आ जाओगे, जब आप फैमिलियर हो जाओगे, तो आपको इन स्टेप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो आपको सीधे सीधे पता होगा आपको क्या करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस केस लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक। मैं साथ ही साथ इसको सॉल्व करते हुए चलूंगा और साथ ही साथ मैं आपको स्टेप लिखते हुए चलूंगा, ठीक। मान लो आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हम सेकंड लॉ यूज करेंगे, सेकंड लॉ के लिए हम बनाएंगे एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, ठीक।
एक और क्वेश्चन है, चलिए ये चार क्वेश्चन है, तो ये आपके चार क्वेश्चन है, क्लियर। यहाँ पे एक 5 kg का ब्लॉक है, स्मूथ सरफेस है, और 10 N का फोर्स एक यहां से लग रहा है 30 degree के एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, 30 degree के एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से 30 degree के एंगल पे एक 10 N का फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक, फिर इसे सॉल्व करेंगे, साथ साथ सॉल्व करेंगे, साथ साथ मैं यहाँ पे स्टेप लिखता चला जाऊंगा, ठीक है। एंड में जो स्टेप्स आएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। ओके सुनो, नाउ लेट अस स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, हम इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं। सारे केसेस में हमें इन तीनों में एक्सेलरेशन फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन इन दिस केस, वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक्स इन दिस केस, क्लियर। वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास इन दिस केस, वी हैव टू फाइंड द टेंशन T1, T2 एंड T3 इन दिस केस। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सिलेक्ट अ सिस्टम, ये अपना पहला पॉइंट होगा, ठीक। जैसे हम इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो ये हमारा पहला सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अब इस सिस्टम को हम सिलेक्ट करेंगे और फिर इस पर हम फोर्सेस ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व फोर्सेस, क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस पर बात करते हैं, अगर तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स तो ये एक्स्ट्रा फोर्स 10 N का आ जाएगा जो कि दिख रहा है। दूसरा फोर्स इसमें स्टूडेंट्स इसके मास की वजह से, ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड होगा। और जो थर्ड फोर्स होगा इसमें, जो थर्ड फोर्स होगा वो नॉर्मल फोर्स होगा इस सरफेस के कॉन्टैक्ट की वजह से, फ्लोर के कॉन्टैक्ट की वजह से, ठीक। सो ऑब्जर्व फोर्सेस, थर्ड पॉइंट, ड्रॉ एफ बी डी, क्लियर। सो नाउ लेट अस ड्रॉ द एफ बी डी ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक। तो ये ब्लॉक है 5 kg का, इस तरह से 5 kg का ब्लॉक है, क्लियर। और इसमें जो फोर्सेस लग रहे हैं वो दिखाते हैं। तो 10 N का एक फोर्स लग रहा है यहां से 30 degree के एंगल पे, ठीक है। दिस विल बी 10 N। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। जो फ्लोर इस पे फोर्स अप्लाई कर रही है, लेट इट टू बी N, अब इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज दिस विल बी द नॉर्मल फोर्स एंड दिस नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल फोर्स हो जाएगा यहां पे इस डायरेक्शन में, क्लियर। और जो इसका मास है वो 5 है, तो इसमें 5 g का फोर्स लगेगा, दैट इज वेट विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस तरह से ये 5 g का फोर्स इसमें लग जाएगा। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, नाउ दिस इज अवर स्टेप थर्ड। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, फोर्थ पॉइंट इज सिलेक्ट एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, एक्सिस हमें इस तरह से सिलेक्ट करनी है जिससे एक्सेलरेशन जो हम जिस डायरेक्शन में हम चाहते हो उसी डायरेक्शन में हमें एक एक्सिस रखनी है। क्यों? क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक। और अगर हम एक्सिस को एक्सेलरेशन की तरफ नहीं रखेंगे तो हमें एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करना पड़ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इस केस की हम बात करते हैं, हमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में चाहिए क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन जो भी होगा वो इसी डायरेक्शन में तो होगा। क्या एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू सरफेस हो सकता है? क्या नहीं होगा, ठीक है। आप जानते हो, फैमिलियर हो आप इस तरह के केसेस से, ठीक है। अगर आप एक ब्लॉक को यहाँ पे रखोगे तो वो इस तरह से नीचे आएगा, ऊपर नीचे, इसमें वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द सरफेस कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इस केस में हम जो एक्सिस सिलेक्ट करते हैं वो स्टूडेंट्स, वो इस तरह से हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। तो हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक एक्सिस रखते हैं, ये चीज ध्यान रखो, ठीक। और इस केस में हमें एक्सेलरेशन चाहिए, सो दिस विल बी अवर एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी अवर y एक्सिस, क्लियर। दिस परपेंडिकुलर एक्सिस विल बी अवर y एक्सिस, दिस विल बी अवर y एक्सिस। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक। तो सबसे पहले हमने सिस्टम चूज किया, ऑब्जर्व फोर्सेस को ऑब्जर्व किया, FBD बनाई, एक्सिस सिलेक्ट करी। नाउ यूज न्यूटन सेकेंड लॉ। व्हाट इज इट? सिग्मा Fx is equals to max, or we can say fx net, this is the net force in the x axis, will be equals to max, this is the mass of the system and this is the acceleration x axis, acceleration in x axis, you have to keep in mind this,
Now this is FY net will be equals to MAY. अभी ये आपको steps complicated लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इनको यूज करना चाहोगे, जब आप यूज करने लगोगे, जब प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये आप चुटकियों में कर लोगे, ठीक है? आपको इन स्टेप्स को याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको स्टार्टिंग में थोड़ा इसी के अकॉर्डिंग चलना है ताकि आप रिजल्ट तक पहुंच सको, ठीक है? चलिए, तो एफ एक्स नेट इज इक्वल टू एम एक्स, ये आपने पहली इक्वेशन बनाई, क्लियर? ये आपने इक्वेशन बनाई और ये आपने दूसरी इक्वेशन बनाई, क्लियर? आपने दूसरी इक्वेशन बनाई. नाउ सिक्स्थ स्टेप, यू हैव टू solve the equation and get unknown. Solve equations and get unknown. This is the complete method to solve, to work with the Newton's laws of motion. ठीक है? तो चलिए इसको solve करते हैं यहाँ पे. तो students आप देख रहे हो यहाँ पे इस case में पहले तो आपने axis select करी, ठीक है? अब आपको Newton's का law use करना है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे एक point बहुत important है. क्या? ये जो force है 10 Newton वाला, ये जो force है 10 Newton वाला, ये आपका किसी भी एक्सेस में नहीं है. देख रहे हो, ये 10 न्यूटन का फोर्स किसी एक्सेस में नहीं है भाई. 5G का फोर्स तो वर्टिकल एक्सेस वाई एक्सेस में है, नॉर्मल फोर्स वाई एक्सेस में है, लेकिन 10 न्यूटन वाला फोर्स किसी एक्सेस में नहीं है. तो हमें इस फोर्स को रिजॉल्व करना होगा एक्सेस में, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या करना है, FBD के बाद एक्सेस सिलेक्ट करनी, सिलेक्ट एक्सेस करने के बाद रिजॉल्व करना है फोर्सेस को. रिजॉल्व फोर्सेस इन द एक्सेस, ठीक है? तो फोर्सेस को रिजॉल्व कर दो. ये 10 न्यूटन है, तो जिधर थीटा उधर कॉस, यहां पे आपका फोर्स आ जाएगा कितना, 10 cos 30, मींस दिस विल बी 10√3/2, 5√3, और इस डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा, दिस विल बी 10 sin 30, मींस 10/2, क्लियर? आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर, ठीक है? तो ऊपर की डायरेक्शन में आपके दो फोर्स दिख रहे हैं, एक नॉर्मल फोर्स, एक 10/2 5 न्यूटन का फोर्स. नीचे की डायरेक्शन में आपको 5G का फोर्स दिख रहा है. राइट वर्ड डायरेक्शन में 10√3 मीन्स 10√3/2 मीन्स 5√3 का फोर्स दिख रहा है, और ये फोर्स अब आपने रिजॉल्व कर दिया, तो इसको अब हम हटा सकते हैं. दिस इज द कंप्लीट एफबीडी ऑफ दिस सिस्टम. नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन, ठीक है? ये सिस्टम है. अब आप ये बताओ, इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा क्या वो वाई एक्सेस में होगा? वाई एक्सेस में इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होने वाला, ठीक है? तो y एक्सिस में इसका कोई एक्सेलेरेशन नहीं, जो भी एक्सेलेरेशन होगा वो इसका x एक्सिस में ही होगा, ठीक है? तो इस वजह से इस केस में हमको एक्सेलेरेशन निकालना है. तो हम जानते हैं एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में होगा, x एक्सिस में होगा. सो लेट अस अज्यूम द एक्सेलेरेशन टू बी a. a एक्सेलेरेशन हमने अज्यूम कर लिया, एंड वी हैव टू फाइंड दिस एक्सेलेरेशन, ओके? सो लेट अस फाइंड दिस. तो भाई अब इसमें हमें क्या करना है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक? यहां तक पहुंच चुके हैं. अब हमें न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करना है. एक्स एक्सिस में यूज करेंगे, तो एक्स एक्सिस में स्टूडेंट जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, वो ए का दे रखा है, क्लियर? इसका मास 5 है, और नेट फोर्स जो एक्स एक्सिस में होगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज 10√3/2 मींस 5√3. इट मींस द इक्वेशन इन एक्स एक्सिस विल बी 5√3. दिस विल बी द नेट फोर्स. एफ इज इक्वल्स टू एम ए, एम इज 5 × a, क्लियर? सो फ्रॉम हियर दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज अवर इक्वेशन इन एक्स एक्सिस, क्लियर? और जो एक्सेलरेशन है वो एक्स एक्सिस के ही इक्वेशन से आ गया. एक्सेलरेशन विल बी सिंपली इक्वल टू √3 m/s². क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है? क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो चुका है, हमें एक्सेलरेशन मिल चुका है, ठीक? दिस विल बी अवर एक्सेलरेशन. हमें और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है? एक्सेलरेशन तो आ चुका है, तो यहीं तक हमें बस करना था काम, ठीक है? न्यूटन्स सेकेंड लॉ हमें यूज करना था. इसमें एक और इक्वेशन बनेगी जो कि वाई एक्सिस की इक्वेशन होगी, ये भी हम बना देते हैं. आपको पता है वाई एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वाई एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस में जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि भाई वाई एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है. एफ नेट वाई विल बी इक्वल टू एम ए वाई, ए वाई 0 हो गया. इफ दिस ए वाई इज इक्वल टू 0 देन दिस विल बी इक्वल टू 0 इन वाई एक्सिस. कैसे पता चला भाई, जो भी एक्सेलरेशन होगा इस सिस्टम का वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, वर्टिकल प्लेन में नहीं होगा, क्लियर? सो ये एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना था हमको, ठीक? और वर्टिकल एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये है कि भाई ये जो वाई एक्सिस में फोर्स होगा, नेट फोर्स, दैट विल बी 0. इसका मतलब वाई एक्सिस में जितना ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा उतना ही नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है? इट मींस n+5, ये ऊपर की डायरेक्शन फोर्स है, n+5 इज इक्वल टू 5g. आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर.
So from here you can find your normal force. Normal force will be equals to 4g means 40. If g is equals to 10 meter per second square, this normal force is equals to 40 newton. Clear? This normal force is equals to 40 newton. अगर इस केस में आपसे ये कह दिया जाता कि find normal force, clear? तो आप y axis से normal force निकाल देते. Clear? You can solve the equation, find the unknown. You can solve equation and find unknowns. I hope this thing is very much clear. ठीक? तो step by step move करेंगे. याद रहे जहाँ जिस एक्सिस में एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा उस एक्सिस में नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. मींस पॉजिटिव एक्सिस का फोर्स बराबर नेगेटिव एक्सिस का फोर्स. क्लियर? सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड दिस न्यूमेरिकल. ठीक है, इस न्यूमेरिकल की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक, देखते हैं. पहले वीडियो पॉज करो और खुद से इसे ट्राई करो. स्टेप्स यही रहेंगी. ठीक है, आई होप कि आप इसे खुद निकाल सकते हो. ठीक, लेट अस फाइंड दिस. यू हैव टू फाइंड दिस. ओके, सो आई होप कि आपने खुद से ट्राई कर लिया है. चलिए अब सॉल्व करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिस्टम चूज करना है. सिस्टम चूज के लिए एम हमारा सिस्टम है. अब इस एम की हमें फोर्सेस ऑब्जर्व करना है. तो एक फोर्स इसका एम जी लग रहा होगा, दूसरा फोर्स इसमें नॉर्मल लग रहा होगा. क्या कोई और फोर्स लगेगा? नहीं, कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो लग नहीं सकता, स्मूथ है, और कोई फोर्स यहाँ पे लग नहीं सकता. ठीक है, सो देयर आर ओनली टू फोर्सेस, वन इज ग्रेविटी एंड द सेकेंड इज नॉर्मल फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस. अब हमें इसकी एफ वी डी बनानी है. तो एफ वी डी बनाते हैं, यहीं पे ही बना लेते हैं. चलिए, दिस विल बी एम जी एंड दिस एंगल इज गिवन टू अस थीटा. दिस एंगल इज एम जी, दिस फोर्स इज एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, ग्रेविटी फोर्स, एंड द सेकेंड फोर्स इज नॉर्मल फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस. आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू. नाउ नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू सिलेक्ट एक्सेस. तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और इस बार जो भी एक्सेलरेशन होगा ये हमारा इस डायरेक्शन में होगा, ए, कॉमन सेंस. ठीक है, नाउ ए एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी. ठीक, और ये हमारी इस तरह से वाई एक्सिस हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर यू. तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई. अब आपको देखना है कि एक्सिस सिलेक्ट कर ली, अब उस फोर्स को रिजॉल्व करना है जो एक्सिस में ना हो. ठीक, तो कौन सा फोर्स एक्सिस में नहीं है? भाई नॉर्मल फोर्स तो एक्सिस में ही है, वाई एक्सिस में. हाँ, ये एम जी का जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है मास का, ये आपका एक्सिस में नहीं दिख रहा है. दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा. ठीक है, सो आपको इस फोर्स को ही रिजॉल्व करना पड़ेगा. क्या करेंगे रिजॉल्व करने के लिए? आपको ये एंगल पता चल जाए, अगर ये एंगल आपको पता चल जाएगा, क्लियर, तो एम जी ऑफ दिस एंगल, एम जी कॉस ऑफ दिस एंगल विल बी द दिस कंपोनेंट ऑफ एम जी एंड हेयर इज वन कंपोनेंट ऑफ एम जी. ठीक है, इस एम जी को हमें रिजॉल्व करना है. उसके लिए ये एंगल हमें पता होना चाहिए. ठीक, मैं एक बार ये एंगल आपको निकलवाऊंगा जो कि नॉर्मल फोर्स से एम जी वैक्टर बना रहा होगा, जो वाई एक्सिस से एम जी का जो फोर्स है वो बनाएगा, और इस एंगल को आप हमेशा याद रखोगे. एक्चुअली में ये एंगल इस थीटा के बराबर होता है. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल मेड बाय द सर्फेस ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, मेड बाय द सर्फेस ऑफ द इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, दिस विल बी थीटा. कैसे होता है, इसे आप भी निकाल सकते हो, मैं भी निकाल देता हूँ. चलो, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल 90 हो जाएगा, ये थीटा है, दिस विल बी 90 माइनस थीटा. व्हाई? बिकॉज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180. क्लियर, तो ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है, 90 प्लस थीटा प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 180, दिस एक्स विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा. और आप जानते हो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो कंप्लीट एंगल 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा. ओके, आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू. सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथ. ठीक, सिंपल ज्योमेट्री का यूज करा और ये एंगल हमने थीटा निकाल दिया. ठीक, आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन. ओके, एंड वी हैव टू रिजॉल्व द फोर्सेस. ये एंगल थीटा हो चुका है, तो एम जी का एक कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा आपको यहां मिल जाएगा, जिधर थीटा उधर कॉस, और एम जी साइन थीटा आपको इस डायरेक्शन में फोर्स मिल जाएगा. दिस इज एम जी साइन थीटा. क्लियर, अब अगर इसकी हम क्लियर एफ बी डी बनाए, एक क्लियर एफ बी डी, देन दिस इज अवर मास एम. ठीक है, एक नॉर्मल फोर्स इस तरह से लग रहा है. क्लियर, ये आपका एम जी कॉस थीटा हो गया, और ये आपका एम जी साइन थीटा हो गया. याद रहे आप एम जी को रिजॉल्व कर चुके हो, तो अब एम जी मत दिखा देना यहां पे, गलत हो जाएगा. समझ लो, अब यहां एम जी हम नहीं दिखाएंगे, दिस विल बी अवर नेट एफ बी डी ऑफ दिस सिस्टम. ठीक है, यहां पे ये अपनी
एक्स एक्सिस है इस तरह से, ठीक है, और ये अपनी जो है दिस विल बी अवर वाई एक्सिस, क्लियर। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द फिफ्थ स्टेप, यूज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक, आप जानते हो जो वाई एक्सिस है इस बार भी उसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा, ये ब्लॉक जो है इस तरह से आएगा नीचे, ठीक, तो इस वजह से इसका कोई मोशन नहीं वाई एक्सिस में, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हेंस द नेट फोर्स इन द वाई एक्सिस विल बी जीरो। इट मींस द फोर्स इन द पॉजिटिव वाई एक्सिस विल बी इक्वल्स टू द फोर्स इन द नेगेटिव वाई एक्सिस, और पॉजिटिव वाई एक्सिस में एन नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस में एम जी कॉस थीटा लग रहा है, हेंस दिस एन विल बी इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा इन दिस केस। दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर, फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस। नाउ लेट अस यूज द न्यूटन्स लॉ इन एक्स एक्सिस, सो एफ एक्स नेट विल बी इक्वल्स टू एम ए एक्स, ठीक है, एफ एक्स नेट, एफ एक्स नेट कितना है, ठीक है, नेट फोर्स इन द एक्स एक्सिस, तो जो भी फोर्स है एक्स एक्सिस में वो सिर्फ एम जी साइन थीटा लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई लग रहा है क्या, एक्स एक्सिस में सिर्फ एक ही फोर्स है, अगर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगता तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स है, हेंस द नेट फोर्स विल बी दिस फोर्स एम जी साइन थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एक्सेलरेशन इस सिस्टम का ए है, दिस विल बी इक्वल्स टू एम ए, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, सो फ्रॉम हेयर एम से एम कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा आ जाएगा इस केस में, एक्सेलरेशन ए विल बी इक्वल्स टू जी साइन थीटा इन दिस केस। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर इस क्वेश्चन में हमसे नॉर्मल भी पूछ दिया जाता है देन अवर नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। ठीक, करना क्या है, सिस्टम चूज करना है, फोर्सेज ऑब्जर्व करने हैं, एफबीडी बनानी है, एक्सेस सिलेक्ट करनी है, फोर्स रिजॉल्व करने जो कि एक्सेस में ना हो, इक्वेशन लिखनी है न्यूटन सेकंड लॉ से और इक्वेशन सॉल्व कर देनी बस। ठीक है, जो भी पूछा गया है वो निकल जाएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है ये भी। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस सॉल्व दिस थर्ड क्वेश्चन, क्लियर, विच इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें क्या करना है, हमें T1, T2, T3 टेंशन फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम सिस्टम चूज करेंगे, चूज सिस्टम, पहले हम M1 को चूज करेंगे, M1 पे फोर्स देखेंगे, तो T1 का फोर्स ऊपर है, T2 का फोर्स नीचे, T1 यहाँ से टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि स्ट्रिंग जो है ये हर बार पुलिंग फोर्स ही अप्लाई करती है। ठीक, तो यहाँ से ये स्ट्रिंग ऊपर की तरफ पुल कर रही है और यहाँ से ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ पुल कर रही है। ठीक, तो T1 ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, T2 नीचे की तरफ फोर्स लगेगा और M1G इसका मास है, तो M1 इसका मास है तो इसमें वेट फोर्स लगेगा M1G डाउनवर्ड। ठीक, नाउ ऑब्जर्व फोर्सेस, चूज सिस्टम, ऑब्जर्व फोर्सेस, ड्रॉ FBD, FBD बनाते हैं। तो T1 ऊपर की डायरेक्शन में, T2 नीचे की डायरेक्शन में, इसका मास M1G है, M1 है, तो एक M1G का फोर्स नीचे की डायरेक्शन लग जाएगा। क्लियर, नाउ स्टूडेंट्स सिलेक्ट एक्सेस, तो एक्सेस एज इट इज ले लेंगे, दिस विल बी अवर वाई एक्सेस एंड दिस विल बी अवर एक्स एक्सेस। ठीक, तो ये एक्स एक्सेस हो जाएगी एंड दिस विल बी अवर वाई एक्सेस। नाउ क्योंकि एक्स एक्सेस में कोई फोर्स नहीं है तो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम वाई एक्सेस में ही न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कोई एक्सेलरेशन होगा इस मास का, ये तो रेस्ट पे है सब सिस्टम, तो M1 का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हेंस इट मींस FY नेट विल बी इक्वल टू जीरो, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। इट मीन्स, इट सिंपली मीन्स वॉट, इट मीन्स दैट द फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑन दिस मास M1 विल बी इक्वल टू द फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट मीन्स T1 विल बी इक्वल टू T2 प्लस M1G। ठीक है, तो अगर हमें T2 पता चल जाएगा तो हम T1 निकाल देंगे। क्लियर, तो अभी तो T2 हमें नहीं पता, तो इसको लिख देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, नाउ लेट अस फाइंड द सेम थिंग, लेट अस डू द सेम थिंग फॉर M2। ठीक, M2 की बात करेंगे तो ऊपर T2 का फोर्स है, नीचे T3 का फोर्स है, M2G डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसमें जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, द इक्वेशन विल बी अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, द इक्वेशन विल बी T2 इज इक्वल टू T3 प्लस M2G। क्लियर, दिस विल बी द इक्वेशन फॉर मास M2। ठीक, अब हम M3 की बात करते हैं, तो M3 की जब बात करेंगे तो इसमें दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स T3 ऊपर की तरफ लग रहा है, दूसरा M3G डाउनवर्ड लग रहा है, और ये भी एक्सेलरेशन जीरो है इसका भी, हेंस दिस विल बी T3 विल बी इक्वल टू M3G। क्लियर, सो स्टूडेंट्स ये तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, T3, T2 और T1। क्लियर, सो वी कैन सॉल्व दिस थ्री इक्वेशन, बिकॉज थ्री इक्वेशन थ्री अननोन कैन बी सॉल्व। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ T3 हमें मिल गया है, कोई समस्या नहीं है, T3 आ गया, T3 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, T2 आ जाएगा,
और टी टू की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, टी वन आ जाएगा, क्लियर। सो योर टी वन विल बी इक्वल टू एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इंटू जी। एक और काम कर सकते थे, एक और काम कर सकते थे हम यहां पर, क्या एक ट्रिक लगा सकते थे कि अगर हम हमें टी वन चाहिए तो क्यों ना हम इस पूरे को मिला के एक सिस्टम कंसिडर कर लें। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, हमें टी वन चाहिए तो हम इस पूरे को मिला के एक सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है, जिसका मास क्या है m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक। अब इस पूरे ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ एक t1 है और दूसरा m1 प्लस m2 प्लस m3 into g, क्लियर। इट मींस अगर इसकी हम FBD बनाएं इस सिस्टम की, क्लियर, तो क्या होगा, t1 ऊपर m1 प्लस m2 प्लस m3 g नीचे। इट मींस t1 विल बी इक्वल टू, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, तो m1 प्लस m2 प्लस m3, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, नेट फोर्स इन द y एक्सिस विल बी जीरो, क्लियर। सो इस केस में हम डायरेक्ट t1 निकाल सकते थे। अगर हमें t2 चाहिए तो हम इस पूरे को एक सिस्टम मान लेंगे, t2 चाहिए तो इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, क्लियर, इस पूरे को एक सिस्टम मान लो अगर t2 चाहिए तो। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। तो इसको हम और सिंप्लीफाई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे आपको कंसेप्ट समझाना था इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से किया, क्लियर। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड दिस न्यूमेरिकल, द पुली सिस्टम, ठीक है, चलिए। सो नाउ लेट अस डिस्कस दिस फोर्थ न्यूमेरिकल। मैं जानता हूँ कुछ लोग को ये न्यूमेरिकल बहुत सिंपल लग रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए पहले मुझे सिंपल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हर तरह के स्टूडेंट्स हैं, ठीक, लेकिन ये बात की गारंटी है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा आप जानते हो मेरे न्यूमेरिकल्स का लेवल भी बढ़ने लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आपने देखा, मैग्नेटिज्म में भी आपने देखा, और अभी काइनेमेटिक्स में भी आप ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे न्यूमेरिकल का लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन आपको जीरो से ही स्टार्ट करना है, ठीक है, ताकि चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। अगर आप पहले पढ़ भी चुके हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें रिवाइज हो रही हैं, ठीक है। सो देखते हैं इस न्यूमेरिकल को, इस न्यूमेरिकल को इस स्टार्ट करने के पहले, इसका सॉल्यूशन देने के पहले मैं कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि इस केस में आपको एक चीज़ दे रखेगी, दैट द पुली इज आइडियल, क्लियर, आइडियल पुली है, एंड द स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल, क्लियर। इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब है इसको समझ लेते हैं अच्छे से, और क्यों ये जरूरी है, ठीक। तो पहली चीज ये है कि पुली आइडियल है, इसका मतलब ये है कि पुली जो है ये मासलेस है, क्लियर। और दूसरी चीज, जो पुली की सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है, और इसके बीच में और का साइन लगा है, क्या और, या फिर पुली मासलेस होनी चाहिए और या फिर ये पुली फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, ठीक है, या फिर ये पुली मासलेस होनी चाहिए या फिर ये पुली फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। तो ये दोनों ही केस में ये पुली जो है ये आइडियल पुली हो जाएगी। आइडियल पुली से मतलब क्या है स्टूडेंट, देखिए अगर ये यहाँ पे ये जो पुली है ये यहाँ पे फ्रिक्शन हुआ, अगर क्या हुआ फ्रिक्शन, ठीक, तो इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, क्योंकि आप यहाँ से पुल कर रहे हो और ये यहाँ से पुल करेगा, यहाँ पे टेंशन इधर होगी, यहाँ टेंशन इधर होगी, क्लियर। आप समझो ये वाला ब्लॉक नीचे पुल करेगा इस डायरेक्शन में इस पुली को, तो ये इस तरह से फोर्स लगाएगा, और ये वाला ब्लॉक भी नीचे पुल कर रहा है तो ये इस तरह से फोर्स लगाएगा, ठीक। अब आपको ये समझना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अगर फ्रिक्शन होगा, समझिएगा अगर यहाँ फ्रिक्शन है तो क्या होगा, तो ये जो पुली, ये जो स्ट्रिंग है, क्लियर, ये इस फ्रिक्शन की वजह से जो यहाँ टेंशन होगा T, उतना टेंशन यहाँ नहीं होगा, यहाँ T1 होगा तो यहाँ T2 हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्यों, एक बार खुद सोचो, अगर यहाँ फ्रिक्शन होगा तो क्या हम बोल सकते हैं कि T1 इज इक्वल टू T2 होगा, नहीं बोल सकते भाई, आपको T1 ज्यादा रखना पड़ेगा तभी ये पुली रोटेट हो पाएगी, तभी ये बांस ऊपर आ पाएगा। अगर T1 आपने T2 के इक्वल रख दिया तो फिर तो कुछ नहीं, ऐसा ही रहेगा सिस्टम, क्लियर। अगर T1 T2, अगर यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स है, क्लियर, तो इसमें एक्सेलरेशन होना आम बात नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें फ्रिक्शन, अगर लेकिन होगा, अगर इसमें फ्रिक्शन हो गया तो क्या होगा, ये T1 T2 इक्वल नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन। अब ये आगे मैं रोटेशन में एक बार बताऊंगा, क्लियर, ये चीज आपको रोटेशन में क्लियर होगी जब मैं टॉर्क वगैरह की बातचीत करूंगा, वहां पे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की हम बात करेंगे, वहां ये चीज क्लियर होगी। लेकिन अभी इस तरह समझो, मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली का होना इसलिए जरूरी है, क्यों, बिकॉज टी वन विल बी इक्वल टू टी टू, अगर इन दोनों में से एक भी चीज हुई तो टी वन इज इक्वल टू टी टू हो जाएगा। हिट किया उस क्रिकेटर ने, वो बॉल जा रही है, ठीक है, अब उस बॉल को कैच करना है, ठीक है, तो भाई अगर उसको कैच करना है उसकी जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसे कैच करने के लिए, उसका जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लो कॉस्को की बॉल है,
इसकी वेलोसिटी काफ़ी हाई है तो हम कैच कर सकते हैं, लेकिन यही बॉल अगर लेदर की है और वेलोसिटी बहुत हाई है तो हमें कैच करने में प्रॉब्लम हो सकती है, समझ पा रहे हो ना। तो मोमेंटम जो है ये आपको बता रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करनी है तो कितना अमाउंट का फोर्स ज़्यादा हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अभी न्यूटन्स लॉ पे आएंगे, वहाँ से चीज़ और समझ में आएगी। फिजिकली इस तरह से समझो कि मोमेंटम जो क्वांटिटी है, जो मोमेंटम क्वांटिटी है ये आपको बताती है कि भाई कितना ज़्यादा वेलोसिटी और कितनी ज़्यादा इसका मास है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। मोमेंटम इज इक्वल्स टू बेसिकली द मास इनटू वेलोसिटी, इट्स यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड सिंपली, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल्स टू द नेट फोर्स ऑन द बॉडी, क्लियर। अब इस नेट फोर्स की जो बात है ये हम करेंगे आगे, ठीक है, इसकी मीनिंग हम समझेंगे, लेकिन पहले समझते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या, ठीक है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू इट्स इज इक्वल टू द नेट फोर्स ऑन द बॉडी, मतलब एक बॉडी है उस पर जो भी नेट फोर्स लग रहा होगा, क्लियर, दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल एक कार है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, ठीक है। अब उस कार की स्पीड जो है ये 2 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, क्लियर। कार का मास आपको दिया है 5, मान लो कार का मास 50 केजी है, ठीक है। तो कार का मास 50 केजी है और ये जो कार है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर से 3 मीटर तक हो गई, कितने टाइम में, 2 सेकेंड में, 5 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड में हो गई 2 सेकेंड में। तो पूछा जा रहा कार पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, कार पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। या फिर इस तरह से समझो स्टूडेंट्स, कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर, कोई ऑब्जेक्ट है उसके पास इनिशियल मोमेंटम पी है, ठीक, और उसका जो मोमेंटम है, उसका जो मोमेंटम है वो अगले डीटी टाइम में, अगले डीटी टाइम में इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, डीटी टाइम में ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, इसका मोमेंटम डीटी टाइम में पी प्लस डीपी हो गया, क्लियर, मतलब जो मोमेंटम है वो डीपी से चेंज कर गया डीटी टाइम में, क्लियर। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज वॉट इज इक्वल टू, वी कैन से डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, अगर मोमेंटम डेल्टा पी से चेंज कर रहा है डेल्टा टी टाइम में, क्लियर। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियसली बात कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स हम बहुत ही छोटे डी टी के इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं, देन दिस विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, दिस विल बी इक्वल टू डी पी बाय डी टी सिंपली, दिस डी पी बाय डी टी, ठीक है। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है स्टूडेंट, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज योर, दिस विल बी इक्वल टू योर फोर्स, क्लियर, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज योर फोर्स, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ ये बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू द नेट फोर्स ऑन द बॉडी, नेट फोर्स, दिस विल बी योर नेट फोर्स, क्लियर। तो अभी जो आपने स्टेटमेंट पढ़ी थी सेकेंड लॉ की, वो एफ इज इक्वल टू एम ए पढ़ी थी, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्लियर, पूरी तरह से गलत भी नहीं है लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है सेकेंड लॉ की। जो सेकेंड लॉ की रियल स्टेटमेंट है वो क्या है, दैट द नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू, द नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, क्लियर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज मोमेंटम एंड फोर्स, ठीक है। तो ये है आपका न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। अब ये फिजिकली क्या बता रहा है, ये तो डेफिनेशन हो गई न्यूटन्स के सेकेंड लॉ की, अब देखते हैं ये फिजिकली बता क्या रहा है एक्चुअली हमें, ठीक है। तो इसने बताया कि भाई अगर आपको मोमेंटम मान लो चेंज करना है डीपी से और टाइम इसमें आप डीटी ले रहे हो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डीपी बाय डीटी जो हो जाएगा ये फोर्स हो जाएगा, ठीक है। मान लो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, वी वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, समझना, ठीक है, एक वी वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसको आपको रोकना है, उसका मास 10 केजी है, ठीक है, उसको आपको रोकना है, ठीक है, और आपसे कहा गया कि भाई टाइम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, उसको रोकने का टाइम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, आपको उसको रोकना है बस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप चाहते हो कि भाई हम कम से कम फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट रुक जाए, ठीक है। तो फोर्स अगर आप कम चाहते हो तो आपको डी टी को इंक्रीज करना पड़ेगा, डेल्टा टी को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। ये फोर्स इंस्टेंटेनियस है, दिस विल बी डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, दिस इज द एवरेज फोर्स, आप जानते हो ये क्वांटिटी आपको एवरेज देती है, दिस गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप डेल्टा टी को इंक्रीज करोगे, ठीक है, और डेल्टा पी क्योंकि आपको उसे रोकना है तो डेल्टा पी तो कांस्टेंट है ही, पहले एम वी का मोमेंटम था और फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाएगा, तो जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मीन जो चेंज इन मोमेंटम है वो एम वी के बराबर है, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे दिस विल बी माइनस एम वी, ठीक है।
तो आपका जो चेंज इन मोमेंटम है वो तो फिक्स है, लेकिन जो डेल्टा टी टाइम है इसको आप वेरी करा सकते हो। आप चाहते हो कि फोर्स हमें मिनिमम मिले, तो आप इस डेल्टा टी टाइम को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रखोगे, ठीक है, उसकी वजह से फोर्स कम हो जाएगा। क्लियर? आप एक ऑब्जेक्ट को रोक रहे हो लेकिन आप चाहते हो फोर्स कम लगे, तो आप उसको जो टाइम है, जो चेंज इन मोमेंटम का टाइम है, उसको आप इंक्रीज कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट मैच चल रहा है, एक बैट्समैन ने एक बॉल को हिट किया, ठीक है, एक बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, अब बॉल जो है एक फील्डर के पास जा रही है, ठीक है, ये फील्डर इस बॉल को कैच करना चाहता है, ठीक है, बॉल का कुछ मोमेंटम होगा, मास इनटू वेलोसिटी, कुछ मोमेंटम से बॉल उसके हाथ में आ रही है और फाइनली वो मोमेंटम को जीरो करना चाहता है क्योंकि वो बॉल को कैच करना चाहता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे उस फील्डर की फिजिक्स काम आएगी, ठीक है, कि भाई अगर वो बैट्समैन, वो फील्डर बॉल को कैच करना चाहता है और वो चाह रहा है कि जैसे ही उसके बॉल में, उसके हैंड में बॉल हिट करे, तुरंत बॉल को वो रोक दे, तो इस केस में जो डेल्टा टी होगा वो बहुत मिनिमम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके हाथ में बहुत जोर से लगेगी, है कि नहीं बात सही, ठीक। लेकिन अगर वो फिजिक्स अप्लाई करता है और वो इस तरह से बॉल को कैच करके अपने हैंड को इस तरह से मोशन में ले आता है, समझ रहे हो ना, जो आपने देखा होगा जब कैच लेते हैं फील्डर्स, तो कैच लेने के बाद अपने हैंड का मोशन कुछ इस तरह से करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि इस तरह से जो उनका डेल्टा टी टाइम है, जो चेंज इन मोमेंटम का टाइम है, वो डिक्रीज, वो इंक्रीज कर गया है। क्लियर भाई? चेंज इन मोमेंटम तो उतना ही हो रहा है बॉल का, बॉल की वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, बॉल का मास मान लो 1 kg है, ठीक है, तो 5 का मोमेंटम से बॉल आ रही थी, फाइनल मोमेंटम जीरो होना है, लेकिन जो टाइम डेल्टा टी है जितने में ये मोमेंटम जीरो होगा, अगर वो आप इंक्रीज कर दोगे तो फोर्स जो आपके हैंड पे लगेगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फिल्टर अपनी फिजिक्स यूज करता है, ठीक है, और वो इस तरह से बॉल जो 5 के मोमेंटम से आ रही है, ठीक है, उसको कैच करके जो डेल्टा टी इंटरवल जो है कैच करने का, उसको बढ़ा देता है, ठीक है, तो इस तरह से अगर वो इंटरवल को बढ़ा रहा है तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसके हैंड में वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस न्यूटन्स के सेकेंड लॉ का बेसिक एप्लीकेशन है, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं कि भाई अगर कोई चीज, आप किसी चीज का आपको मोमेंटम चेंज करना है, क्लियर, डेल्टा टी टाइम में आप मोमेंटम डेल्टा पी, मोमेंटम में जो चेंज है वो डेल्टा पी है और वो जो चेंज है वो डेल्टा टी टाइम में आया है, ठीक है, तो जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, नेट फोर्स, जितना भी नेट फोर्स आप उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, मान लो F1 राइट है, F2 लेफ्ट है, क्लियर, तो नेट फोर्स देखा जा रहा है, मींस वेक्टोरियल एडिशन ऑफ दिस फोर्स है, ठीक है, तो जो नेट फोर्स उस सिस्टम पे आ रहा है, दैट नेट फोर्स विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मींस द चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी डिवाइड बाय द टाइम डेल्टा टी, टाइम टेकन डेल्टा टी, ठीक है। अगर ये डेल्टा टी टाइम आपका कम हो रहा है तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, अगर डेल्टा टी टाइम इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ये पूरा कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। मैंने आपको ये फिल्टर वाले, फिल्टर और बैट्समैन वाले कंसेप्ट से जो समझाया है, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल और बेसिक एग्जांपल से मैंने न्यूटन्स के सेकंड लॉ को आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज दिस एफ इज इक्वल टू एम ए, और ये अगर गलत नहीं है पूरी तरह से तो ये कब सही होगा, ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखो, आपने अभी जो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा था अभी तक, वो आपने एफ इक्वल टू एम ए पढ़ा था, एक्चुअली में वो इसका एक जनरल केस है, ठीक है। जो करेक्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, जो करेक्ट न्यूटन सेकंड लॉ है, वो क्या है, एफ नेट विल बी इक्वल टू डीपी बाय डीटी, मींस नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्लियर, मींस डीपी बाय डीटी, ठीक। अब हम यहां क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, पी की जगह एमवी रख दें अगर, क्लियर, तो यही स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, दिस विल बी डी एमवी बाय डीटी सिंपली, ओके। डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मास और वॉल्यूम, मास और वेलोसिटी दो क्वांटिटीज हैं यहां पे, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा डिफरेंशिएशन का, क्लियर। सो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ है, ठीक है। सो इफ मास इज कॉन्स्टेंट, इफ मास इज कॉन्स्टेंट मीन्स मास ऑफ द सिस्टम इज नॉट वेरिंग, क्लियर, सिस्टम का मास नहीं वेरी कर रहा है, मास किस किस केस में वेरी कर सकता है इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो जब सिस्टम का मास कांस्टेंट होगा तो उस केस में dm by dt जीरो हो जाएगा, और उस केस में हम देख सकते हैं दिस dv by dt इज अवर एक्सेलरेशन, सो दिस इज इक्वल टू
एम ए, क्लियर। तो एफ इज इक्वल टू एम ए जो आपने पढ़ा है वो भी सही है, ठीक है, लेकिन वो कब सही होगा? वो सिर्फ एक केस के लिए सही है, एफ नेट इक्वल टू एम ए जो आपने ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ पढ़ा है ये सही है, लेकिन सिर्फ एक केस के लिए सही है, वो क्या? व्हेन, इसमें एक एजम्पशन है, एजम्पशन भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अवर एजम्पशन इज मास इज कॉन्स्टेंट, क्लियर, मास इज कॉन्स्टेंट। तो मास कब कॉन्स्टेंट नहीं होगा इसकी बात आप करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक रॉकेट है, क्लियर, एक रॉकेट है जो कि इस तरह से जा रहा है, उससे फ्यूल निकल रहा है और उससे जो एग्जॉस्ट बन रहा है उन एग्जॉस्ट की वजह से इस रॉकेट में एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, समझ पा रहे हो? रॉकेट है उसमें फ्यूल निकल रहा है, फ्यूल कंबस्ट हो रहा है, एग्जॉस्ट बन रहा है, वो एग्जॉस्ट बाहर जा रहा है जिसकी वजह से रॉकेट में अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हो इस रॉकेट के मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा टाइम के साथ? भाई इस रॉकेट का मास जो है वो टाइम के साथ कम होने लगेगा। क्यों कम होने लगेगा? इसलिए कम होने लगेगा क्योंकि इसमें कुछ फ्यूल है और वो फ्यूल जो है वो बाहर जा रहा है। अगर वो फ्यूल बाहर जाएगा तो सिंपल सी बात है इसका मास जो है वो डिक्रीज करेगा। तो क्या हम एफ इक्वल्स टू एम ए लगा सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम में? क्या इस तरह की प्रॉब्लम में हम एफ इक्वल्स टू एम ए यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें हम एफ इक्वल्स टू एम ए नहीं यूज करेंगे। इसमें जो नेट फोर्स होगा इस रॉकेट में, जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो यहां से आएगा, ठीक। और उस केस में हमें ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा और dm by dt ये क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द रॉकेट मींस द रेट एट विच द फ्यूल एग्जॉस्ट फ्यूल इज कमिंग आउट। इसकी बात हम बाद में करेंगे जब रॉकेट की प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ अभी आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं कि एफ इक्वल्स टू एम ए हम कहां नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम एफ इक्वल्स टू एम ए नहीं लगाएंगे जहां पे मास सिस्टम का कॉन्स्टेंट नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक ट्रक है विच इज लोडेड विद अ सैंड। इस ट्रक में सैंड है, क्लियर, ये ट्रक आगे जा रहा है इस तरह से वी वेलोसिटी, लेकिन इसकी जो सैंड है वो कुछ इस तरह से गिरती चली जा रही है, ठीक है। अब इस ट्रक की सैंड गिरती चली जा रही है, ये ट्रक एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, लेकिन क्योंकि सैंड इसमें एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस तरह से समझो एक फोर्स एफ लग रहा है, तो इसमें भी हम एफ, इसके एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम एफ इक्वल्स टू एम ए नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसका मास तो कॉन्स्टेंट ही नहीं है, इसका मास कॉन्स्टेंट नहीं है। तो जब भी सिस्टम का मास कॉन्स्टेंट ना हो तो आप एफ इक्वल्स टू एम ए नहीं यूज कर पाओगे, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए नहीं यूज कर पाओगे, क्लियर। तब आपको एफ नेट इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी यूज करना पड़ेगा, क्लियर। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब हम दूसरी बात करते हैं कि यहां पे ये जो एफ नेट लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एफ नेट, क्लियर। इस एफ नेट का मतलब क्या है इसकी बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स एफ नेट का मतलब इस तरह से समझो कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे अगर 5 न्यूटन का फोर्स यहां पे लग रहा है, राइट वर्ड 10 न्यूटन का फोर्स यहां लग रहा है, क्लियर, 2 न्यूटन का फोर्स और एक यहां लग रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स यहां लग रहा है एक और, ठीक है, मास इसका एम है, ठीक है। इस केस में इस ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा? नेट फोर्स की बात अब हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी नेट फोर्स होगा इस ऑब्जेक्ट पे, ये इन फोर्सेस का वेक्टोरियल एडिशन आएगा। सो पॉज द वीडियो एंड टेल मी व्हाट विल बी द नेट फोर्स हियर। ओके, सो नाउ अब हम बात करते हैं एफ नेट की, है ना। तो आई होप कि आपने आंसर लिख दिया होगा। तो भाई अगर इसमें 10 न्यूटन फोर्स बैकवर्ड लग रहा है, 1 न्यूटन इधर लग रहा है, राइट वर्ड 5 न्यूटन 2 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, तो राइट वर्ड फोर्स देखा जाए तो 7 न्यूटन हो जाएगा, क्लियर। लेफ्ट वर्ड फोर्स देखा जाएगा तो 11 न्यूटन हो जाएगा। इस पे अगर नेट फोर्स हम देखेंगे तो सो दिस विल बी 11 माइनस 7, दिस विल बी 4 न्यूटन लेफ्ट वर्ड। सो इस पे जो नेट फोर्स है, इस ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स है दैट विल बी एफ नेट विल बी इक्वल टू 4 न्यूटन लेफ्ट वर्ड, क्लियर, इन द लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन, क्लियर। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई हम जब न्यूटन्स लॉ की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो उसमें हम ये पर्टिकुलर अलग अलग फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन नहीं निकालेंगे। ये जो एक्सेलरेशन होगा दिस विल बी द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन है, ये सिस्टम का मास है और ये सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स है। नेट फोर्स का मतलब यहां से ये है कि जितने भी फोर्स इस पे लग रहे हैं, उन सब का वेक्टोरियल एडिशन, ठीक है। अगर ये एक्सेलरेशन आपका, इस इक्वेशन को आप दो एक्सेस में भी लगा सकते हो, क्लियर, दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड इन टू एक्सेस, क्लियर। जब आपको ए एक्स पता होगा, एक्स एक्सेस में एक्सेलरेशन पता होगा, तो आप इसको इस तरह से यूज करोगे, एफ नेट
एफ नेट मीन्स नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्सेलरेशन इन द एक्स एक्सिस, क्लियर। और जब आपको स्टूडेंट्स जब आपको एक्सेलरेशन ए वाई पता होगा, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन पता होगा, ठीक है, देन यू विल यूज एफ नेट, नेट फोर्स इन वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू एम इन टू ए एक्स, क्लियर। इस तरह से अगर हम ए एक्स और ए वाई निकाल लेंगे देन वी कैन फाइंड द कंप्लीट एक्सेलरेशन दैट इज अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, क्लियर। आप यहां पे समझ सकते हो कि यहां पे सिर्फ एक्स एक्सिस में फोर्सेस लग रहे थे, अगर मैं यहां पे एक फोर्स लगा दूं 5 न्यूटन का वाई एक्सिस में और यहां पे एक फोर्स लगा दूं नेगेटिव वाई एक्सिस में 3 न्यूटन का, तो यहां पे वाई एक्सिस में भी एक फोर्स आ जाएगा दैट इज 5 माइनस 3 2 न्यूटन, क्लियर। तो 2 न्यूटन इज इक्वल टू एम ए वाई करेंगे तो यहां से ए वाई आ जाएगा और 4 न्यूटन इज इक्वल टू एम ए एक्स करेंगे यहां से ए एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को, ये वेक्टोरियल एडिशन है, ये वेक्टोरियल इक्वेशन है, फोर्स भी वेक्टर है और मास भी वेक्टर है, क्लियर। याद है जब मास कांस्टेंट होगा तो हम डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, बट व्हेन आवर मास इज कांस्टेंट, द मास ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, इन दैट केस वी कैन यूज दिस इक्वेशन डायरेक्टली, क्लियर। ये इक्वेशन ये बताती है कि जो भी नेट फोर्सेस होंगे सिस्टम में, जो भी नेट फोर्स होंगे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में सिस्टम में, दैट विल बी इक्वल टू एम टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक। अब इस पे बेस्ड हम किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसकी बात करेंगे, बट बिफोर दैट वी हैव टू सी, वी हैव टू डिस्कस द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ, वी कैन से द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, क्लियर, द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स ऑफ मोशन, ठीक है। इसकी बात करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम में हम करते क्या है, हमको सिस्टम में फोर्सेस दे दिए जाएंगे या फिर हमको एक पिक्चर दे दी जाएगी कि यहाँ से ये फोर्स लग सकते हैं, यहाँ से ये फोर्सेस लग सकते हैं। अब हमको एनालाइज करके उस सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो सिस्टम का हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा, बहुत ही सिंपल और बेसिक तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो चीज़ें आपको फैमिलियर होती चली जाएंगी, चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक है। सो लेट अस मूव टुवर्ड द न्यूटन्स थर्ड लॉ, स्टूडेंट्स नाउ लेट अस टॉक अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, और वी कैन से द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन, कोई एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी जरूर होगा, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं फिजिक्स के टर्म में बात करते हैं कि अगर मैं बोर्ड में एक फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, तो बोर्ड भी मुझ पर उतना ही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, जो काम मैं कर रहा हूँ बोर्ड पे मैंने फोर्स लगाया, सो दिस इज एक्शन, क्लियर, एक्शन ऑफ माय, ठीक, दिस इज माय एक्शन दैट आई हैव अप्लाइड द फोर्स ऑन बोर्ड, क्लियर, एंड द बोर्ड इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन मी इज द रिएक्शन, क्लियर। ये मैं एक्शन कर रहा हूँ और उसका रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, क्लियर। सो एक्शन एंड रिएक्शन लॉ इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका मतलब क्या है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्लियर, हर एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन जरूर होगा जो कि उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोर्ड पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो बोर्ड भी मुझ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, ठीक है। अगर एक टेबल है इस तरह से, एक टेबल है, क्लियर, और इस पर एक बुक रखी हुई है, ठीक, अगर ये बुक, जो बुक है ये इस टेबल पे एन का फोर्स लगा रही है, नॉर्मल फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस को हम नॉर्मल फोर्सेस भी बोलते हैं, ठीक है, सारे नॉर्मल फोर्सेस जो होते हैं वो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होते हैं, ठीक। तो एक्शन नॉर्मल फोर्स सारे एक्शन रिएक्शन होते हैं, तो अगर बुक टेबल पे एन का नॉर्मल फोर्स लगा रही है तो टेबल भी बुक पे एन का नॉर्मल फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स एवरी एक्शन जो बुक ने टेबल पे फोर्स लगाया दैट इज एक्शन, क्लियर, और जो टेबल ने बुक पे फोर्स लगाया दैट इज इट्स रिएक्शन, ठीक है। सो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। नाउ एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर एक ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाएगा तो पहला ऑब्जेक्ट भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स लगाएगा, किसी भी केस में आप देखो, ठीक। एक मास है जो कि इस तरह से इस वेज पे रखा हुआ है, ठीक है, तो ये मास अगर इस वेज पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल फोर्स एन अप्लाई कर रहा है तो ये वेज जो है, ये वेज भी इस ब्लॉक पे अपोजिट डायरेक्शन में एन का ही नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है।
एक ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है, ए ऑब्जेक्ट अगर बी ऑब्जेक्ट पे एन का फोर्स लगा रहा है तो बी ऑब्जेक्ट भी ए ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में एन का फोर्स जरूर लगाएगा, चाहे ये किसी भी केस में आप देख लो। दो चार्जेस का सिस्टम है, क्लियर, दो चार्जेस का सिस्टम है, एक चार्ज इसको एफ के फोर्स से पुल कर रहा है, तो भाई अगर चार्ज वन और टू, चार्ज वन टू को एफ के फोर्स से पुल कर रहा है, मींस द फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन इज एफ टू वन, क्लियर, एंड द फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू इज एफ वन टू, देन दिस एफ टू वन विल बी जस्ट इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ दिस एफ वन टू, क्लियर, एफ वन टू, इसका मतलब क्या है, ये दोनों फोर्सेज होंगे इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ टू वन विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वन टू, क्लियर, एंड इट्स डायरेक्शन इज जस्ट नेगेटिव, दिस माइनस साइन इज शोइंग दैट द डायरेक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेज इज जस्ट नेगेटिव, जस्ट रिवर्सिबल, ठीक है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ये दोनों फोर्सेज, ठीक है। आप दो मासेस के सिस्टम से देख लो, एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, ठीक है। न्यूटन ने जो बात करी थी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने नाइन्थ में पढ़ा है, भाई इसमें फोर्स f अप्लाई किया और तो इसने फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में f अप्लाई किया, जो फोर्स है f जो एक दूसरे पे ये लगा रहे हैं, दिस फोर्स, इस फोर्स की अगर ये f है तो ये भी f ही होता है, ऐसा तो नहीं करते ना कि ये अगर f1 अप्लाई कर रहा है ये f2 अप्लाई कर देगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये दोनों फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इसका क्या मतलब है, दीज फोर्सेज आर ऑल्सो सेटिस्फाइंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्लियर। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, सिंपल सा है कि भाई एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स एफ लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाएगा, दिस इज कॉल्ड द न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, और वी कैन से द न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्लियर। सो यहां से न्यूटन के सारे तीनों लॉ जो मोशन के थे वो कवर हो गए। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हम ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, ये तीन लॉ न्यूटन के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह से इसमें बेस्ड हम क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड।